चलिए स्टार्ट करते हैं. सुनो, इट्स चैप्टर नंबर वन. दैट वाज जस्ट अ बेसिक चैप्टर, दैट इज ऑल ओवर. ओके, सो चैप्टर नंबर टू वी ऑल आर नाउ स्टार्टिंग. उधर आ जाइए. नाउ दिस इज गोइंग टू बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू बी डूइंग. नो फोन्स इन द क्लास एंड नो च्युइंगम्स इन द क्लास प्लीज. ओके सुनो, वी आर स्टार्टिंग नाउ. See, what I will require is maximum 10 minutes of theory. So therefore, like, you know, you are introduced to this chapter and then we'll start away with the questions. Okay, so from my last chapter, I only carry forward one simple thing, and that is fixed overheads per unit cost nahi hota. Fixed overheads is a lump sum figure. Whenever you want to be thinking, think of fixed overheads as a lump sum figure. That is the only thing that I'm trying to remember. अभी इससे लेट्स ट्राई टू स्टार्ट द थिंग्स फर्दर. ओके, गिविंग यू वन एग्जाम्पल जिससे ऑलमोस्ट योर थिंग्स विल स्टार्ट टू गेट कनेक्टेड. ओके, बट दिस चैप्टर आई एम नॉट इंटरेस्ट इन अकाउंट्स, नॉट इंटरेस्ट इन एनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला पार्ट, सिंपल ओनली इंटरेस्ट इन रनिंग द बिजनेस इन अ प्रॉपर वे. तो सुनो, आई प्रोड्यूस एंड सेल वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इट्स सेलिंग प्राइस इट्स 10 rupees. ओके, तो आई प्रोड्यूस एंड सेल वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उसका जो सेलिंग प्राइस है सपोज वो 10 rupees है. 10 rupees में एक यूनिट बनाकर बेचता हूँ, कस्टमर मेरे को 10 rupees तो चलो दे देता है. ओके, इन दिस केस लेस, जो वेरिएबल कॉस्ट है सपोज दैट इज 8 rupees. ओके, इन दिस केस नो, तो सपोज आई प्रोड्यूस एंड सेल वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट्स सेलिंग प्राइस इज 10. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज सपोज 8. सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एवरीबडी नोज दिस, गिव्स यू अ कंसेप्ट ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस सेलिंग प्राइस 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 8 है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 2 rupees. ओके, relationship of contribution to selling price is called by the name of, everybody knows this, that is PV ratio, also called as profit volume ratio, popularly also called as contribution margin ratio. All these things mean the same thing. 2 upon 10 into 100, that'll be nothing but 20%. Okay, ye 20% ka matlab kya hota hai, usse pehle suno. एक यूनिट बनाकर बेचेगा, 10 rupees मिल जाएगा, लेकिन 10 rupees कमाने के चक्कर में हाउ मच यू आर इनकरिंग फॉर इट, 8 rupees. वॉट एवर यू अर्न दैट इज नथिंग बट 2 bucks. ओके, इस 8 rupees के अंदर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब इसके अंदर डीएम कॉस्ट तो चलो आ ही जाएगा, डीएल कॉस्ट तो आ ही जाएगा, डीई कॉस्ट भी आ जाएगा, प्लस एनी अदर ओवरहेड्स दैट आर वेरिएबल इन नेचर. इट कुड बी से वेरिएबल फैक्ट्री, वेरिएबल एडमिन, वेरिएबल एसएनडी. अच्छा, एक यूनिट बेच के 10 rupees का सेलिंग प्राइस, 8 rupees का वेरिएबल कॉस्ट, 2 rupees का कॉन्ट्रीब्यूशन. इफ सपोज आई ट्राई टू मेक द थिंग्स विद 2 units, एक यूनिट बेच के 10 rupees मिल जाता है, 2 units बेच के कितना मिल जाएगा, 20. मेरा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितने रुपीस का हो जाएगा, 16. हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूशन विल यू ऑन, 4. पी वी रेशियो अभी भी कितने परसेंट का रहेगा, 20%. This 20% will remain 20% till the time two things are constant. Tell me those two things. Selling price and variable cost per unit. Till the time this figure is 10, till the time this figure is 8, till that particular time, this will remain 20%. Yaad rakhna, PV ratio is a concept which is independent of number of units. तुम लोग एक यूनिट के हिसाब से निकालो, 2 units के हिसाब से निकालो, लाख यूनिट के हिसाब से निकालो, पीवी रेशियो 20% ही आएगा. वो तब तक 20% रहेगा जब तक टू थिंग्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट, सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पीवी रेशियो / कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, व्हेन डज इट रिमेन कॉन्स्टेंट. सो राइट डाउन प्लीज, राइट डाउन, पीवी रेशियो इज इक्वल टू contribution upon sales into 100. Full stop. It is a concept which is it is a concept which is
independent of number of units. And will remain constant till SP and VC per unit is constant. Do remember what we are trying to do in costing is decision making. Decision making is about future, not about your past. Jo ho gaya uske bare mein kya baat karo, jo hona baki hai uske bare mein soch sakte hain. I was thinking, let me try to estimate is saal kitna profit aayega. To aap socho is saal kitna units banakar bechoge. I estimated is saal na I will be able to produce and sell 1000 units. I thought that. To mereko itna zara bolo, I think I will be able to produce and sell 1000 units. So meko bolo sales kitne rupees ka ho jayega? Bolo 10,000. That is 1000 into 10. Meko bolo variable cost kitne rupees ka lag jayega? 8000. Contribution in this particular case kitne rupees ka aa jayega? 2000. This 2000 I can get for you in three different ways. First you subtract this and this, contribution mil jayega. Aisa nahi karne ka to one unit will give you contribution of kitna rupees? 2. So therefore 1000 units will give you 2000. Agar wo bhi nahi karne ka hai, use your PV ratio funda. PV ratio is 20% of sales. Jab bhi 100 rupees ka sales karega, 20 rupees ka contribution kamayega. To 10,000 ka sales karega, so 10,000 to 20%. So in this case 2000 rupees will earn. Yaad rakhna, ek ek unit bech ke jo mere paas aaya, that was contribution. Contribution you earn on every unit. Lekin ye aap kharch nahi kar sakte kyunki ek aur kharcha karna baki hai. Kaun sa? Fixed cost. That is also your cost, right? You need to be meeting that cost. But fixed cost I could not have written over here. Why? Kyunki fixed cost is not per unit cost, is a lump sum figure. So write it against total contribution. Mere ko aisa laga tha इस साल का fixed cost 1500 rupees का होगा. This I am giving it to you from my side. So this year's profit in this case will be कितना rupees? 500. ठीक है? अच्छा, I don't require any calcs, neither you are trying to use them. Okay, try to think whatever I am asking. 1000 unit बेचेगा, 500 रुपए का profit कमाएगा. मेरे को बोलो अगर 1000 एक unit बेचेगा तो profit कितने का आएगा? बोलो 502. If I produce and sell one more unit, customer will give me 10 rupees more. But for earning that 10, you will be incurring kitna rupees? 8. Ultimately, what you earn in life, that is always contribution only. Lekin ek unit aur bana ke bicha, 2 rupees to extra kama liya. Ab tera fixed cost aur kuch laga kya? Nahi laga. So therefore, extra contribution resulted in extra profit. So therefore, new profit will become 502. Please, ek cheez zara yaad rakhna. कि in this particular case यहाँ पर fixed cost does not mean that whatever might happen it will always remain same. हम लोग fixed cost term क्यों use करते हैं? Because it is not proportional to number of units, but it can still change. Example के तौर पे अभी suppose तुम लोग कुछ 150 तो वो बच्चे लोग हो, okay? अगर suppose rent कुछ ना कुछ है, अगर 200 भी लोग आते, I will say कि बैठ जाओ, okay? 250 भी लोग आते, मैं बोलता चिपक चिपक के तो बैठ जाओ. अभी 300 लोग आते, मैं बोला एक के ऊपर एक बैठ जाओ, ओके. 400 आते, मैं बोलेगा कि वो लेड़े हुए दरी, ओके. लेकिन अगर 1000 लोग आते तो ऑब्वियसली प्लेस विल फॉल शॉर्ट, आई विल शिफ्ट टू द थिएटर, माय रेंट विल इंक्रीज, ओके. लेकिन अगर ऐसा होगा, सम हैज टू टेल यू दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज चेंजिंग. इफ सम टेल्स यू फिक्स्ड कॉस्ट इज चेंजिंग, इट इज चेंजिंग. Else fixed cost is constant only. Okay. So therefore extra contribution of 2 rupees will give you extra profit of 2 rupees. ठीक है, अभी आगे जरा सुनो. 999 units बनाकर बेचोगे, कितने का profit? 498. Every unit gives rupees 2 और takes rupees 2. जितना units add into 2 उतना contribution increase, उतना profit increase. जितना units less उतना तुम्हारा contribution will fall at the rate of 2, उतना profit will fall at the rate of rupees 2. Next अभी आराम से सोच के बोलना. 1000 units बनाकर बेचेगा, 500 रुपए का profit कमाएगा. मेरे को बोलो अगर 2000 यूनिट बनाकर बेचेगा
तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, सोच के बोलना। आज ही बोलने का आंसर बोलो। 2500। ऑब्वियसली इफ नंबर ऑफ यूनिट्स विल डबल अप, बॉस दिस विल डबल, दिस विल डबल, दिस विल डबल। मेरे को जरा बोलो, डिड आई एवर स्पीक फ्रॉम माई माउथ फिक्स्ड कॉस्ट विल डबल? नो। सो फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कितना, 1500। सो प्रॉफिट विल बिकम कितना, 2500। तो वन थिंग यू आर नेवर एवर सपोज टू बी डूइंग इन दिस एंटायर लाइफ, डोंट एवर क्रॉस मल्टीप्लाई दिस डेटा इन दिस डेटा, क्योंकि बीच में वॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट। सो देयरफॉर दीज टू थिंग्स आर नेवर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट, यू विल हैव टू फाइंड आउट ओनली, देयर इज नो अदर वे एज सच। हाँ, वॉट इज प्रपोर्शनल इज दिस 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 एंड दिस, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर ओरिजिनली डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। सेल्स डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन इट, बट फिक्स कॉस्ट इज अ इंडिपेंडेंट फिगर। तो प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट। ओके, अच्छा एक और चीज, थ्री थिंग्स यू आर सपोज टू बी टेलिंग टू मी एंड ट्राई टू टेल मी एज फास्ट एज पॉसिबल। टेल मी, 1000 यूनिट बेचेगा 500 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, 1001 बेचेगा तो 502 का प्रॉफिट आएगा। व्हेन यू से 502 का प्रॉफिट आएगा, यू ऑल हैव मेड थ्री अजम्पशंस इन योर माइंड। टेल मी दोस थ्री अजम्पशंस, यू हैव मेड देम, टेल मी दोस थ्री अजम्पशंस। सेलिंग प्राइस इज कॉन्स्टेंट, आगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट, थर्ड फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट। दीज आर नॉर्मल थ्री अजम्पशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग चैप्टर्स एज सच। Unless and until some tells you, I say selling price वही रहेगा, variable cost per unit वही रहेगा, fixed cost वही रहेगा। Best example, अभी just now 5 minutes ago, one student took admission, उससे भी मैं fees उतना ही charge करेगा जितना तुम लोगों से charge किया, उसके लिए भी मेरा books का खर्चा उतना ही होगा जितना वो तुम्हारे लिए हुआ है, rent will remain same only, no? Okay, these are normal three assumptions. If these assumptions are not to be true, some will tell you. By default, these assumptions are always true. So if some say selling price is changing, then in that case it is changing. For a small example, suppose जो नया student आया वो prime minister की औलाद है, okay? I've been called by the prime minister, उसको तो वो discount दो। अभी don't try to think how will he have a kid now, I'm not interested in that, okay? तो लेकिन अगर ऐसा होगा, some will tell you no in that case that we have to give him discount, unless until some says SP is constant, VC per unit is constant and fixed cost is constant, okay? Question number 2, what are normal three assumptions of this chapter? देखो, फर्स्ट SP इज कॉन्स्टेंट, सेकेंड VC पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट, थर्ड फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट। अच्छा, जस्ट लेट मी नो वन स्मॉल थिंग, इफ फर्स्ट टू अजम्पशंस आर ट्रू, टेल मी टू मोर थिंग्स विल ऑल्सो बिकम कॉन्स्टेंट, विच आर दोज टू थिंग्स? One is contribution per unit, another thing is PV ratio. Fill up the right hand side box please. Next, listen. Now, tell me this particular part. एक मिनट में ये रब कर देता हूँ, सुनो। 1000 यूनिट बनाकर बेचेगा, I'll be earning 500 रुपीस का प्रॉफिट। मेरे को बोलो, अगर मेरे को जीरो प्रॉफिट चाहिए, इधर कितना यूनिट्स लिखूं? बोलो कितना यूनिट्स लिखूं? 750। See, you want zero profit after meeting fixed cost. How much is your fixed cost? 1500. Always do remember one principle in your mind. As a businessman, this is one thing that you should often think. एक एक यूनिट बेच के जो आप लोग कमाते हो ना, that is called as what? Contribution. Against contribution, there is one charge. Of which particular thing? Fixed cost. उसको meet करके जो बच गया, that is my profit. So if they give you profit, we want a zero. You want zero after meeting your fixed cost. Fixed cost is कितना? 1500. So I need to be earning 1500 rupees. 1500 every unit will give you how much? 2. तो कितना यूनिट्स को बेचना पड़ेगा? 750 यूनिट्स बेचना,
मतलब 7,500 रुपीज का सेल्स करना, मतलब 600 रुपीज के वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा करना. व्हाट इज 750? इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट. दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज ब्रेक इवन सेल्स, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन रुपीज. व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच कंपनी विल बी अर्निंग हाउ मच प्रॉफिट? जीरो. अभी जस्ट नाउ वी आर इन द इन्फेंट स्टेजेस, ओके, वी आर डूइंग वेरी बच्चा टाइप क्वेश्चंस. याद रखना, एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. दैट्स ओके, बिकॉज टिल नाउ यू आर ओनली एक्सपोज टू टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज फिक्स्ड, अदर इज वेरिएबल. वंस द चैप्टर विल स्टार्ट इन फुल फ्लेज्ड वे, देयर विल बी मेनी अदर कॉस्ट विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑल्सो इन टू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. वो अजीब टाइप ऑफ कॉस्ट होएगा. सो दैट टाइम आई विल नेवर एवर से दैट एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. आई विल सिंपली से ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच कंपनी विल बी अर्निंग कितना प्रॉफिट? जीरो. आई कैन से जीरो प्रॉफिट विल ऑल्सो हैपन वेन सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. एंड टोटल कॉस्ट कैन इनकॉर्पोरेट एवरी टाइप ऑफ कॉस्ट. इट कुड बी वेरिएबल, इट कुड बी फिक्स्ड, इट कुड बी एनी अदर टाइप ऑल्सो. एज लॉन्ग एज सेल्स एंड टोटल कॉस्ट आर फुल्ली सेम, प्रॉफिट विल ऑलवेज बी जीरो ओनली. ओके, सो इफ यू हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, देन आईपीसीसी का फंडा इज ओके फॉर यू. एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. एल्स वन थिंग दैट ऑलवेज वर्क, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. ओके, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 3. वॉट इज ब्रेक इवन पॉइंट? नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स at which company earns zero profit. Full stop. If there are only two type of costs, that is fixed and variable, comma, then at break even point contribution is equal to fixed cost. Else sales is equal to total cost. Acha, answer me this. I was thinking is saal kitna profit kamayega. Aap estimate karo is saal aapka sales kitna hoga. मेरे को लग रहा था मेरा सेल्स एग्जैक्टली 750 यूनिट्स ही होगा. तो मेरे को ज़रा बोलो, अगर एग्जैक्टली 750 यूनिट्स ही होगा, व्हाट विल बी माय प्रॉफिट? मेरे को लग रहा था नहीं 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 यार, 751 यूनिट्स हो जाएगा. टेल मी, मेरे को लगता था नहीं नहीं नहीं, 749 यूनिट्स ही सेल्स होएगा, तो लॉस ऑफ रुपीज 2. ट्राई टू थिंक व्हाट इज 750 इन योर माइंड. 750 is the minimum number of units that you have to sell every year in order to generate some profit. You are doing business for profits, not for charity. So one thing that has to be fixed in your mind, sir, every year to meet my fixed cost, at least I have to sell kitna units? 750. If you think by running your business you can sell 750 units every year, it makes sense to do the business. If you start to think, nahi sir, 750 units to nahi bech payega, aaj nahi, kabhi bhi nahi, shut down your business forever, to ghar pe bait, at least dekho business ka loss to nahi hoega. So 750 is also called as permanent shutdown point. Why permanent shutdown point? Example, I was thinking like, you know, ये वाला business start करूँ या ना करूँ. मैंने break even point निकाला, break even point 750 आया. मेरे को लगा first year के अंदर I'll be able to produce and sell 300 units. तो first year के अंदर तो बहुत बड़ा loss होएगा, because 300 is below 750. लेकिन first year है, losses तो होगा. अगर उतना भी जिगर नहीं है to bear the losses, फिर तू job कर, तू article ship ही कर फिर. Okay. Second thing. I thought in this particular case कि ना next year, ये first year है, second year 700 unit बेच पाएगा, फिर भी loss ही होएगा, लेकिन loss will be slightly less. Okay. I was thinking third year ना 749 units बेच पाएगा, तो फिर भी loss ही होएगा, कितने रुपीज़ का? 2.
मेरे को लगा था चौथे साल से ना सम न्यू कॉम्पिटिटर विल कम, उसके बाद मेरी तो बैंड बज गई, 200 यूनिट के ऊपर मैं बेच ही नहीं पाएगा. ले इफ एनी ईयर यू कांट इवन टच 750 कंफर्टेबली, इट्स बेटर टू शट डाउन नो फॉर एवर ओनली. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट शट डाउन पॉइंट. दिस यू रिक्वायर, क्योंकि आफ्टर सम टाइम विल स्टार्ट टू डू टेम्पररी शट डाउन पॉइंट. ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट इट सेल्फ इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज परमानेंट शट डाउन पॉइंट. ओके, ये कोई बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, बट दिस थिंग शुड बी देयर इन योर माइंड. तो जिधर क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वॉट इज ब्रेक इवन पॉइंट, आगे लिख देना स्लैश परमानेंट शट डाउन पॉइंट. क्वेश्चन के आगे स्लैश परमानेंट शट डाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज इटसेल्फ योर परमानेंट शट डाउन पॉइंट. अच्छा सुनो, आई वॉज प्रिटी श्योर इन दिस ईयर नो आई विल बी एबल टू सेल 1000 यूनिट्स. नाउ दिस इज द लास्ट थिंग, एज आई टोल्ड इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स टू इंट्रोड्यूस दिस एंटायर थिंग. सुनो, आई वॉज प्रिटी श्योर इस साल आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सेल 1000 यूनिट्स. थाउजेंड के अंदर से फर्स्ट 750 यूनिट्स विल गिव यू इनफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू मीट योर वॉट यार फिक्स्ड कॉस्ट. तो 750 के ऊपर हाउ मेनी मोर यूनिट्स यू आर गोइंग टू बी सेलिंग? 250. मेरे को बोलो 250 यूनिट्स बेच के और कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा? 500. एवरी यूनिट विल गिव यू $2. हाउ मच फिक्स्ड कॉस्ट इज स्टिल टू बी मेट? Zero. Fixed cost has already been met from the contribution of first 750 units. So therefore, 500 will become your profit also. 250 units bechna, matlab 2500 rupees ka sales karna, matlab 2000 rupees ka variable cost ka kharcha karna. If 750 is called as break-even point, this is called as margin of safety. Margin of safety can be expressed in units also and in rupees also. Meko bas do sentences complete karke de do. ब्रेक इवन पॉइंट तक आप उतना यूनिट्स बेच के उतना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा लेते हो ताकि आपका क्या मीट हो जाए? फिक्स्ड कॉस्ट. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले यूनिट्स बेच के आप उतना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा लेते हो सो दैट इट बिकम्स व्हाट फॉर यू यार? प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन मेट. ओके, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? राइट ऑन. मार्जिन ऑफ सेफ्टी is sales above break-even sales. Full stop. Contribution earned on margin of safety will always be equal to profits. Achha, in question number 4, there are two things. What is margin of safety and formula for margin of safety ratio? Toh next sign pe likhe rakho, same question only. Margin of safety ratio is equal to margin of safety upon sales into 100. If somebody asks you margin of safety ever, शायद अपने को वो एक ही क्वेश्चन के अंदर काम में आए. It is nothing but margin of safety upon sales into 100. Either take units का data, that will be 25%, or you can take rupees data. In any case, that answer will still be 25% only. Okay, if they ever ask. Okay, I'm just trying to have a summary now of whatever we all have discussed right after 2 minutes. So, if I ever take sales in rupees and I multiply by PV ratio. Tell me, sales into PV ratio gives you what? Contribution. Sales will always be in two parts. First part of sales should be called as break-even sales. Second part of sales should be called as margin of safety. When I'm making this chart now, I have one very clear funda in my mind. I want to be using PV ratio for all thought purposes. What does PV ratio of 20% mean? Whenever you will do 100 rupees of sales, you will get 20 rupees in your pocket as contribution. This is also sales. This is also sales. Whenever you will do sales, I will earn contribution. Whenever I will do sales, I will earn contribution.
लेकिन ब्रेक इवन सेल्स तक मैं एग्जैक्टली उतना कंट्रीब्यूशन कमा लूँगा ताकि अपना क्या मीट हो जाए बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट. तो बाकी के ऊपर आप लोग जो भी कमा रहे हो वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट. ओके, दिस इज वन थिंग. इधर आई कैन हैव एवरी थॉट प्रोसेस लाइक दिस पीवी रेशियो वाला, और आई कैन ट्राई टू हैव एवरी थॉट प्रोसेस इन दिस मैनर ऑल्सो. वेन एवर आई प्रोड्यूस इन सेल वन यूनिट आई गेट कितना रुपीज, 2 रुपीज, ऐसा भी तो सोच सकते हैं. अगर ऐसा सोचोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी विल बी सेलिंग इन टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. ऑब्वियसली दैट विल बी गिविंग यू वॉट या टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. नंबर ऑफ यूनिट्स का सोल्ड का दो पार्ट हो सकता है. क्या दो पार्ट हो सकता है? ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑब्वियसली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. वेन एवर यू विल सेल वन यूनिट आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कमाओगे, जब भी एक यूनिट बेचोगे कॉन्ट्रीब्यूशन कमाओगे. ब्रेक इवन पॉइंट तक एग्जैक्टली उतना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा लोगे ताकि क्या मीट हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट. तो जो भी बैलेंस के ऊपर कमाओगे वो तुम्हारा खुद ब खुद क्या बन जाएगा, प्रॉफिट. ओके, ये दो चार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के तौर पे प्लीज कॉपी कर लो. चलो सुन, आई हैव ओनली वन क्वेश्चन एवर टू रीकैप वॉट एवर यू ऑल हैव डन एवर, माइट बी इन बी कॉम और इन आई पी सी सी, नॉट बियॉन्ड वन क्वेश्चन. ओके, ताकि देन वी ऑल कैन स्टार्ट अवे विद आर क्वेश्चन. सो इट्स क्वेश्चन नंबर 6, यू ऑल कैन कम ओवर देयर. रीड प्लीज क्वेश्चन नंबर 6. The following figures relate to a company manufacturing a product. Total sales, total cost. Year ending 31st of December 2018. Year ending 31st of December 2019. Total sales, total cost. Just let me know if you subtract total sales and total cost, what do you get? Bolo, sales minus cost will give you what? Profit. Baju mein ek aur column banao, profit. And subtract, please. So 239,400, 307,800. Again, assuming stability in prices means selling price remains constant. That's your first assumption. In any case, even if they will not mention, that's the implied assumption. With variable cost carefully controlled to reflect predetermined relationships. मेरी तरफ देखो, अगर variable cost का selling price के साथ एक constant relationship है, so if selling price remains constant and if that relationship is true, that will automatically mean variable cost per unit is also constant. Last one more thing,
an unvarying figure for fixed cost. Matlab fixed cost is also constant only. Okay, those three other regular assumptions, calculate A. PV ratio and fixed cost. Second, break-even point and margin of safety. Profit if sales are 25 lakhs. Sales required to earn a profit of 7 lakhs. Profit after tax. If sales expected is 60 lakhs, tax rate is given to you. Sales if profit after tax required is 10 lakhs, tax rate is given to you. G part we will try to take care once we all are done till F. Okay. Now, this is my style of doing. I'm giving you a hint. In any case, you can do whatever you all want, but do everything in rough, whatever you all want. So, now we have our three assumptions. Selling price is constant, variable cost per unit is constant, fixed cost is constant. Tell me one thing. These assumptions are given to you also in the question. If these two things are constant, there are two other things which are constant. Which two other things? Contribution per unit and PV ratio. In this question, no. मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स का डेटा नहीं है. सो आई रादर प्ले विद पीवी रेशियो बिकॉज पीवी रेशियो इज सम परसेंटेज ऑफ सेल्स इन रुपीज. सो सेल्स इज गिवन टू यू. ओके, सो दिस इज माय स्टाइल ऑफ डूइंग. यू कैन डू व्हाट एवर यू ऑल वॉन्ट. इफ सेलिंग प्राइस फॉर बोथ द ईयर्स इज सेम, इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर बोथ द ईयर्स इज सेम, पीवी रेशियो फॉर बोथ द ईयर्स विल ऑल्सो बी सेम. लेट पीवी रेशियो बी एक्स परसेंट इन ईयर वन एंड ईयर टू. Let fixed cost be rupees Y in year 1 and year 2. आपके पास दो सालों का sales और profit का data है. सोच लो sales से profit तक कैसे पहुंचते हैं वो आप लोग सोच लो. दो साल का equation बनाओ 2018-2019 का. Solve करके आपको X percent मिल जाएगा, Y मिल जाएगा. This will represent PV ratio, this will represent fixed cost. Once you get this particular thing, you have to answer me 6 parts. A. PV ratio, that's your X percent. Fixed cost, that's Y. Part B. Break-even point and margin of safety. If you all can think, there'll be only one break-even point for both the years. Because data for both the years are same. But there'll be two margin of safety. Ek minute. What do you mean by margin of safety? It is sales above break. So sales are different, no, for both the years. So give me two margin of safety. One for year one, one for year two. Part C, D, E, and F are general questions. If sales are 25 lakhs, what will be the profit? If profit is 7 lakhs, what will be the sales? If sales is 60 lakhs, what is profit after tax? If profit after tax required is 10 lakhs, what will be the sales? Okay. You have 6 parts to do. You have 8 minutes which start right now. I'm not interested how you do the question. I'm only interested in the answer that you will give to me. Fair ke andar kuch mat karna. Calci ke upar you all can compute. Write down the answer in the textbook. I'll take care of the presentation. Your 8 minutes starts now. After 8 minutes, I will start to do the question. Get the answers till that time.
Till now, you should have got PV ratio 30%, fixed cost 427,500. That much you all should have got at least till now. Continue. स्टार्ट करेंगे और टाइम इज ओवर. सुनो, अगर सॉल्व किया है पार्ट एफ तक पहुंच गए हो, लास्ट आंसर कुछ 61,86,000 वगैरह कुछ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट टू डू द थिंग्स. नाउ आई एम डूइंग इन दिस पर्टिकुलर वे. आई नो हाउ यू ऑल हैव डन द आंसर, दैट ऑल्सो आई विल डू, बट आफ्टर सम टाइम यू विल डू लाइक दिस इन क्लैरिफाई योर माइंड स्लाइटली बेटर. ओके, सो लेट्स डू द थिंग्स. लिखिए, लेट पी वी रेशियो B X percent in year 1 and year 2. Let fixed cost be rupees Y in year 1 and year 2. So, I'm trying to make our two equations, sales into PV ratio. Obviously, aap logo ko kya de dega? Contribution. Less fixed cost, aap logo ko kya de dega? Profit. Ye likho. So, 2018-2019 sales 22,23,000
24,51,000 into X percent minus fixed cost, that's Y, profit 239,400 307,800. So we subtracting Y and Y will be getting cancelled. 228,000 into X percent is equal to Y or Y to cancel ho jayega 239,400 minus 307,800 68,400 X is equal to 0.3 or 30%. Substitute, you will be able to generate Y ka value 427,500. Next, and we likhiye or. Abhi, tumhara cheap way of getting the answer, wo main abhi kar raha hu. Okay, so 2018-2019, ye likhna mat ek minute. Sales, aapke paas hai, into PV ratio. Whatever it is, but it is same in both the years. So therefore, contribution less fixed cost, whatever it is, but it is same in both the years. So therefore, profit that you all have. As compared to year 1, in year 2, profit has increased by how much? 68,400. Lekin aapka ek assumption tha, ki sir, jo fixed cost year 1 ke andar tha na, same fixed cost year 2 ke andar bhi tha. So fixed cost has changed by how much? Zero. So this 68,400 originally was not increase in profit. It was originally increase in contribution that brought about the same change in profit, because change in fixed cost was kitna? Zero. Lastly, sales increased by kitna rupees? 2,28,000. Last sentence barabar se sunna. If there is some relationship between contribution and sales, which is true in year 1, we call that thing as PV ratio. If the same relationship is true in 2019 also, same relationship will be true between their changes also. So, if usually PV ratio is contribution upon sales into 100, now it is change in contribution upon change in sales into 100, that will become kitna? 30%. Okay. तो याद रखना, ये जो तुम लोग PV ratio जो cheap trick से वो निकाल देते हो, change in profit upon change in sales, it's not change in profit, obviously it is change in contribution that brings about the same change in profit, because change in fixed cost is how much? Zero. Okay, और एक और चीज़ याद रखना, such cheap tricks no only work till the time your assumptions are true. अगर suppose ऐसा बोल दिया, as compared to first year, second year your fixed cost has increased by 10%, you cannot do all such things. That time equation is the only thing that is going to be helping, because in equation I can do any manipulation. Example, suppose agar samne aisa bola, in 2019 fixed cost was 10% higher than that of 2018. Okay, if this is Y, this will become how much here? 1.1 Y. Suppose they all say PV ratio is 20% higher in 2019. Okay, if this will become X, this will become how much? 1.2X. Tumko samajh mein aata hai? Okay, so such things will only be working, might be only in your first question that we all are doing, because your assumptions are still true. Varna in future, all these things might not be working. So next time you all write down OR and write down likho. If the assumptions are true, if the assumptions are true, then a cheap trick to solve the question. वैसे लिखो ताकि you feel bad when you try to use that trick for the next time. Then a cheap trick to solve the question write down PV ratio is equal to that also, let's have correct words, change in contribution
represented by change in profit upon change in sales into 100. Is equal to 68,400 divided by 2,28,000 into 100 is equal to 30%. You can substitute 30% in any year, you will be able to generate the same fixed cost, 427,500. That we all have computed also, so directly likh sakte ho. Fixed cost 427,500. Next, ek last likho bas, pakka uske baad aur nahi bolta. Suno. और देखो, somebody can be saying सब profit क्यों निकालने का, जाने दो, profit का अगर वो column नहीं बनाने का था तो मत बनाओ, मेरे को directly जरा वो orally बोल दो, total cost का दो figures है, if I subtract those total cost, what you will be getting is only change in variable cost, जितना fixed cost first वाली figure के अंदर है, उतना ही fixed cost second वाली वो number के अंदर भी है, तो if I subtract those two figures, fixed cost will get cancelled, so that change is only in variable cost, and that change is because your sales has increased by 2,28,000, so therefore if I divide that change in variable cost upon change in sales, मेको directly ratio मिल जाएगा of variable cost to sales. If I get variable cost to sales, the difference will be nothing but contribution. Okay, so I'm trying to do like this. So you all write on percentage of variable cost to sales is equal to change in total cost divided by change in sales. Chaho to into 100 kar sakte ho, aapki marzi. So 2143,200 minus 1983,600 divided by 2451 minus 2223,000 So this should be coming to 70%. So out of 100, 70 is variable cost. So obviously 30 will become contribution. Therefore, PV ratio is equal to 100 minus 70 is equal to 30%. Chalo, aur methods wo bahut wo ho gaye. Now let's start to answer the questions one by one. So write down. PV ratio, ek bar फॉर्मली अभी सब कुछ आंसर कर देते हैं, 30% फिक्स्ड कॉस्ट 427,500 पार्ट बी, दे आस्क्ड यू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स. अभी आई विल नॉट नो एनी फॉर्मूला एज सच, आई कैन मेक देम या बाय द थिंकिंग दैट वी ऑल हैव. Sales into PV ratio will give you contribution. First part of sales is called as break-even sales. Second is called as margin of safety. Break-even sales ke upar PV ratio ke rate se utna contribution kama lete ho taki kya meet ho jaye fixed cost. To baki ke upar jo bhi kama rahe ho kya hai profit. So this into this is equal to fixed cost. Usko reverse kar lo. To break-even sales will be equal to likho tum log fixed cost divided by PV ratio. So fixed cost is 427,500 divided by PV ratio, that's 30%. अच्छा, we need to be answering other questions also. I guess वहाँ पे आपको margin of safety भी चाहिए, so you all write down margin of safety. अच्छा,
वो दो मेथड्स ही कर सकते हो. ईदर यू कैन डू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यू विल कम अक्रॉस दिस, और यू कैन डू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यू विल गेट दिस, वट एवर यू वांट टू बी डूइंग. तो यहां पे लिख सकते हो सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. आगे लिख सकते हो और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. Solve by any method, but for both the years, whatever you want to be doing. So, ये कितना आता बेटा दोनों फिगर्स 7,98,10,26,000. पांच सीपीआई सेल्स इफ प्रॉफिट आर 25 लाख, तो ठीक है 25 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं. प्रॉफिट तक ही वो पहुंचने का है ना, पहले कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाओ. सेल्स इनटू पीवी रेशियो 30% विल फेच यू कॉन्ट्रीब्यूशन. लेस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट. आगे पार्टी सेल्स रिक्वायर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7 लाख. अच्छा, वन थिंग दैट आई स्टिल कीप इन माइंड ऑलवेज कि गुड्स बना के गुड्स बेच के जो आप कमाते हो दैट इज नॉट प्रॉफिट, दैट इज ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट एक चार्ज होता है किस चीज का, फिक्स्ड कॉस्ट. उसके बाद जो बच गया दैट्स योर प्रॉफिट. ओके, तो कभी भी आपको प्रॉफिट दिया है पहले आप लोग ये सोच लो उतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा. तो बेटा प्रॉफिट कितने का चाहिए, 7 लाख. फिक्स्ड कॉस्ट कौन मीट करेगा आपका, सो एड फिक्स्ड कॉस्ट 427,500, सो दैट विल बी गिविंग यू कॉन्ट्रीब्यूशन. But you earn contribution at what rate? 30%. Party profit after tax if sales expected is 60 lakhs. Obviously one thing, whatever profit you earn over here on that you still have to be paying your taxes. So sales start ho jate hain, sales 60 lakhs.
into PV ratio. That's 30%. So contribution, kitne ka kamana padega? 18 lakhs. Kitna kamayengi? 18 lakhs. Uske andar se apna fixed cost nikalo. To itna profit aap log kama loge. Lekin obviously profit before tax 18 lakhs minus 427,500 1372,500 less tax at the rate of 30%. Part F. Sales if profit after tax required is 10 lakhs. So it's exact reverse sale. Yeah. Profit after tax 10 lakhs. Add tax. That'll give you profit before tax. Add fixed cost. That'll give you contribution. Divide by PV ratio. Wo aap logo ko sales se dega. So, if you earn 100 over here, you pay 30 rupees as taxes over here. Aapke paas kitna rupees bach jata hai? 70. So, 10 lakhs into 3 divided by 7. 4, 2, 8, 5, 7, 1, 14, 28, 571 plus fixed cost 427,500 1856,071 divided by 30% 6,186,905. Yeah, this part is done. Question number 6 ka F tak we all have all done it over. So now what we all are doing is part G. So yahan pe likhiye part G. Abhi ye cheez dhyan se padhna. Profit of the year 2020. Aapke paas 2018 or 19 tak ka data tha. 2020. If selling price is increased by 10%, quantity increases by 15%, fixed cost decreases by 1 lakh as compared to 2019. Dekho, aapke paas 2019 ka profit wagera to tha aapke paas. Wo log kya bolta hai? As compared to 2019, agar ye teen changes ho gaye, what will be the new profit in 2020? Pehle meko ek simple question ka answer do. If these three changes happen, soch samajh ke meko zara bola, will PV ratio change? Yes or no? Why will it change? Only because of one reason. Which reason? Selling price is changing. Okay. So if you want, you can still make a format of sales into PV ratio. Lekin fir tum logo ko naya PV ratio compute karna padega. If I want, I can do like that. Or if you want, you can try to make a format like sales minus variable cost will give you contribution. Jo bhi karoge, aapka answer to same hi aane wala hai. I have to do one of the ways. I'll try to do say sales minus variable cost.
cost. Okay, likho zara please. Write on part G. Profit for the year profit for the year 2020. Make three columns. Particulars 2019-2020. So, sabse pehle likhiye sales. एक लाइन छोड़ना, लेस वेरिएबल कॉस्ट, लीव वन लाइन अगेन कंट्रीब्यूशन, देन डोंट लीव अ लाइन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, डोंट लीव अ लाइन प्रॉफिट. सो सबसे पहले 2019 का डेटा आई फिल अप विद यू. 24,51,000 वाज़ द सेल्स दैट वाज़ गिवन टू इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ. कैलसी लो 24,51,000 इनटू 30% विल बी योर कंट्रीब्यूशन. ओरिजिनल पीवी रेशियो तो वही था ना 30%, तो कंट्रीब्यूशन में लिख के रखना 735,300. ऑब्वियसली रिमेनिंग 70% इज प्रॉफिट 17,15,700. ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट वाज 427,500. ओरिजिनल प्रॉफिट आप लोगों ने मेरे को बोला था 307,800. योर वर्क स्टार्ट्स. तुमको 3 मिनट दे रहा हूं, तुमको 3 न्यू फिगर्स लेकर आने का है. फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, नया वाला प्रॉफिट मिल जाएगा. मेरे को नया वाला प्रॉफिट तुम लोग बताओ.
टाइम ओवर सुनो मेरी बात. तीन फिगर्स आई थिंक वन थिंग वॉज टू सिंपल फिक्स्ड कॉस्ट तो नो मार्क्स फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग करेक्ट 327,500 सुनो. बाकी एक तुमको मैथमेटिक्स में सिखा रहा हूँ उसके बाद पूरे कॉस्टिंग तक वो याद वो रख लेना. फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन. सेल्स ओरिजिनली कैसे मिलता है? इट इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस. सेल्स डायरेक्टली लमसम फिगर तो नहीं होता, वो तो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो तो सेल्स मिलता है. एग्जाम्पल लास्ट ईयर का डेटा 10,000 यूनिट मैंने बेचा था एट द रेट ऑफ 20, तो मेरा लास्ट ईयर का सेल्स कितने रुपीज़ का हुआ रहेगा? 2 लाख. सपोज मेरे को ऐसा बोला जाता है इस साल आपका क्वांटिटी 20% से बढ़ गया और इस साल आपका सेलिंग प्राइस 30% से बढ़ गया, और कोई मेरे को बोलता है फिर करंट ईयर का नंबर्स क्या होगा? ओके सो दिस फिगर विल बिकम कितना? 12,000. दिस फिगर विल बिकम कितना? 26. कैलसी लो 12,000 × 26 कितना रुपीज आ जाएगा? 3,12,000. अभी 2 लाख से 3,12,000 तक पहुंचने के लिए फ्रैंकली मेरे को ये ब्रेकअप थोड़ी चाहिए. इट इज कॉमन सेंस, अगर आपके पास ब्रेकअप नहीं भी है तो भी आंसर आ जाएगा सोच लेने का. 2 लाख इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस. अगर ये 20% से बढ़ा तो ये भी 20% से बढ़ेगा, अगर ये 30% से बढ़ा तो ये फिर से 30% से बढ़ेगा. तो कैलसी लो तो सब लोग एक बार, 2 लाख प्लस 20% प्लस 30% ऑब्वियसली 3,12,000 आ ही जाएगा. ओके अगर उल्टा भी करोगे एक और बार उल्टा करके देखो, पहले 30 लो फिर 20 लो, देखो 2 लाख प्लस 30% प्लस 20% वही आंसर आने वाला है. लेकिन पागलों की तरह 2 लाख प्लस 50% नहीं कर सकता, इट इज़ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. ओके तो पहले एक काम करो फिर दूसरा काम करो, वो भी नहीं करने का. थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स और सिखाने के लिए जाऊँ तो एडिंग 20% इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग बाई 120%, एडिंग 30% इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग बाई 130%. आई एम ट्राइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर वे. तो अब तुम लोग मेरे को, जिन लोग का आंसर नहीं आया मेरे को जरा बोलो सेल्स. चलो यहाँ पे ना सब लोग वो लिखी लो सेल्स कैसे कंप्यूट होता है, इधर लिखो सब लोग जो एक लाइन ब्लैंक रखा था, लिखो सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स. वेरिएबल कॉस्ट के उधर भी लिख के रखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स. अच्छा तो अब तुम लोग बस मेरे को इतना ही रिप्लाई करना और कुछ नहीं बोलना. मेरे को बोलो सेल्स विल चेंज बिकॉज ऑफ वन फैक्टर के टू फैक्टर्स और इट विल नॉट चेंज एट ऑल. टू फैक्टर्स, सेलिंग प्राइस भी बदल रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी बदल रहा है. तो ये जो लाइन ब्लैंक रखा था इधर आओ, यहाँ पे लिखो 24,51,000 इंटू, देखो जरा सेलिंग प्राइस कितने परसेंट से बढ़ गया? 10%, सो मल्टीप्लाई बाय 110% इंटू क्वांटिटी कितने से बढ़ गया? 15%, सो मल्टीप्लाई बाय 115%. नया आंसर निकाल लो. अच्छा अब जरा फाइनल चीज बोलो, वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज बिकॉज ऑफ, सोच समझ के बोलना, वन फैक्टर टू फैक्टर और सर इट विल नॉट चेंज ओनली सर, विच फैक्टर? नंबर ऑफ यूनिट्स. सो इट वॉज 17,15,700, क्वान्टिटी हैज इंक्रीज बाई 15%, सो इंटू 115%, कंप्यूटेड कम अक्रॉस योर न्यू आंसर्स. अच्छा सुन, फॉर एनी रीजन अगर किसी का ये करने का मन नहीं है, ये मैं कर रहा हूँ तुम्हारा मर्जी हो, यू ऑल कैन कॉपी. देखो कोई ऐसा भी तो बोल सकता है सर इनटू पीवी रेशो करके सिखाओ, ठीक है अगर ऐसा करने का मन है तुम्हारा
तो एक तो इधर 30% आ जाएगा क्योंकि ओरिजिनल जो पीवी रेशियो था 30% था 2019 में, तो वही था। लेकिन इधर ना अब मेरे को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। मेरे को ज़रा बोलो, क्वांटिटी बदल गया, डज चेंज इन क्वांटिटी अफेक्ट्स योर पीवी रेशियो? नो। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का इस चैप्टर का, दैट पीवी रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स बट इट विल गेट अफेक्टेड बाय सेलिंग प्राइस, नो फॉर श्योर। ओके, तो फिर मेरे को नया वाला पीवी रेशियो कंप्यूट करना पड़ेगा। और देखो वो मैं कैसे करता हूँ, 2019-2020 सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन। 2019 के अंदर जब ये 100 था तो ये 30 था क्योंकि पीवी रेशियो वाज 30%, तो ये वाला फिगर कितना था, 70। अभी तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ गया, 10%। सो देयरफॉर ये 100 का कितना हो गया, 110। लेकिन बॉस योर वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट चेंज। ओके, सेलिंग प्राइस बढ़ता है, हाउ विल इट चेंज योर वेरिएबल कॉस्ट? तो वेरिएबल कॉस्ट तो अभी भी कितना रहेगा, 70। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बिकम कितना, 40। सो देयरफॉर इफ समबडी आस्क्स मी व्हाट विल बी द न्यू पीवी रेशियो, मैं डेसिमल्स वगैरह के झंझट में नहीं जाता हूँ, इट विल बी सिंपली 4/11। ओके, सो देयरफॉर न्यू पीवी रेशियो इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी 4/11। अगर आप लोग सेल्स इनटू दिस करोगे तो भी तुम लोग को वही वाला फिगर मिलने वाला है। ओके, तो या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो या फिर नया पीवी रेशियो वो ऐसे निकाल लो, इन एनी केस इट मींस द सेम थिंग। किसी को अगर रेड वाला पार्ट कॉपी करना है तो अभी कर सकते हो। शायद कोई क्वेश्चन के ना तुम लोग को यही वाला चीज वो करना पड़े, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। यहां पे तो कुछ भी कर सकते थे। चलिए सुनिए, आप लोग 5 साइट छोड़ रहे हो फॉर एवरीथिंग अप टिल क्वेश्चन नंबर 11। इन बिगनिंग आई हैव केप मोर ऑफ द होमवर्क सेक्शन वाले क्वेश्चन ताकि यू ऑल कैन प्रैक्टिस ऑल द इजी इजी क्वेश्चन। तो 5 साइट वो छोड़ दो टिल क्वेश्चन नंबर 11। नोटबुक्स के ना जब भी खाली खाली जगह वो दिखे, यू शुड ट्राई टू क्रिटिसाइज योर सेल्फ दैट यू हैव नॉट सॉल्व द होमवर्क सेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। चलो सुनो, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आई एम रीडिंग, आई एम टेलिंग यू फ्यू थिंग्स, आई वांट 4 आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। गुड लक लिमिटेड मेक्स अ प्रोडक्ट विच हैज स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वर्ड को अंडरलाइन करो, लिखो वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज एन ऑल्टरनेट टर्म फॉर द थिंग वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर लिख के रखो वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल वर्ड मीन्स वेरिएबल कॉस्ट एज फॉलोज। सो डायरेक्ट मटीरियल 50, डायरेक्ट वेजेस 37.5, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 6.25, इन ऑल 93.75। द एनुअल बजट फर्दर इंडिकेट्स आउटपुट इन यूनिट्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्शन 50 लाख, एडमिन 30 लाख, मार्केटिंग 25 लाख। तीनों का टोटल उधर कर लेना। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट द टोटल प्राइस। तो तीनों का टोटल वो कर लो 105 लाख। टोटल ऑफ ऑल योर फिक्स्ड कॉस्ट 105 लाख। सो योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 125 लाख। ओके, इफ करंटली आई ट्राई टू सी देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट ऑफ 20 लाख। सबको 20 लाख का प्रॉफिट मिल गया, कैसे मिला बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, नो 125 लाख लेस 105 लाख। आगे, द कंपनीज मैनेजमेंट डिजायर्स बेटर रिजल्ट्स देन प्रोजेक्टेड एंड वांट्स द फॉलोइंग प्रपोजल्स फॉर, अंडरलाइन करो, इंप्रूव परफॉर्मेंस टू बी कंसिडर्ड। ए, रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाई 10%।
with prospect of production and sales increasing by 25%. The fixed production overheads will increase by 2,50,000. Fixed marketing overheads will increase by 1,25,000. अभी उन लोगों ने ना देखो तुमको ये नहीं बोला कि A के अंदर करना क्या है. तो there is one common heading for all these four proposals is that these are the four proposals for improved performance, मतलब better profits. तो proposal A के अंदर कुछ नहीं बोला. So I am telling you, you are going to be getting me new profit. Okay? तो part A के अंदर you are going to be getting me that. अभी आगे जरा पढ़ो proposal B. Increasing the selling price by 10% and increase advertisement expenses from present outlay of 5,00,000 to 25,00,000. Sales will go up to 90,000 units. Fixed production overheads will rise by 125,00,000. Fixed marketing overheads will rise by 1,00,000. यहाँ पर भी नहीं दिया कि क्या करना है. So please get me new profit whenever you try to solve proposal B, proposal C पे हो. A profit of 30,00,000 rupees is desired. A 10% increase in sales can be achieved by increasing advertisement expenses by 18,00,000. Fixed production overheads will go up by 1,25,000. Fixed marketing overheads will go up by 85,000. They have asked you what is to be found out. What is the selling price required to achieve the result? So in part C, please only find out selling price for me. Okay, part D. A departmental store is willing to take up 20,000 units per annum at a special discount. Existing sales will not be affected. Fixed production overheads will increase by 2,50,000 per annum. What is the special discount to be offered if by accepting the contract, company's profit is going to be going up to 33,75,000. उन लोगों ने बोला what is the special discount. So you are asked to find out discount as such. Okay. चलो you will get me say discount per unit. You can get me in percentage also, but you will get me discount per unit. Compute the forecast P&L statements pertaining to the above proposals and comment on the outcome of each proposal. My only hint to you is this much. किधर ना किधर rough में जाना, एक अपना normal income statement बना लेना. Sales minus variable cost will get you contribution, less fixed cost will fetch you profit. पहले original data जो question के अंदर है वो कर लेना, उसके बाद proposal A, B, C, D implement इधर ही करते रहना, you will be able to get the answers. You have to get me profit, profit, selling price and discount. I give you 6 minutes for this. I give you 3 minutes for all other parts. So after every 6 minutes and then after 3 minutes, one answer will start to come on the screen. Okay, till that time you should be able to get it. Rough mein jao, answers nikalna start karo. I usually give the time that you all will be having in exams to solve. So therefore your speed has to be rising.
तुम्हारा फर्स्ट आंसर 22,50,000 अभी तक आ जाना चाहिए था. सेकेंड आंसर 35,87,500 आएगा.
थर्ड आंसर सेलिंग प्राइस 270 आएगा. लास्ट आंसर डिस्काउंट विल बी 75 पर यूनिट. योर टाइम एंड्स वी स्टार्ट. ओके लिखो जरा प्लीज राइट. सुनो ये क्या करते हैं, इन योर नोटबुक्स यू ऑल राइट डाउन समरी. राइट डाउन लिखो समरी. जो भी वहां पर डेटा आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ समरी फॉर आर रेफरेंस. ओके सो फॉर नो रीजन एवर आई रिक्वायर ब्रेकअप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 93.75 दैट्स प्रिंटेड इन द बुक. आउटपुट इज 80,000 यूनिट्स. Fixed cost 105 lakhs. Contribution, listen. If I'm making summary for my reference, I would still like to think contribution is something that I earn on every unit. So 125 lakhs is a contribution that I'm earning on kitna units? 80,000. So contribution that I earn on every unit, that's 156.25. Acha, so no.
आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, आपके पास कंट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली दोनों को ऐड अप करके सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 250। लास्टली आई राइट डाउन प्रॉफिट, बट प्रॉफिट इज नेवर एवर पर यूनिट बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट पर यूनिट। प्रॉफिट आई गेस वी हैड टॉक्ड आल्सो, ओरिजिनल प्रॉफिट वॉज कितना रुपीज, 20 लैक्स, 125 लैक्स माइनस 105 लैक्स। Now do remember that they are trying to give you proposals and they are trying to change few things. So they are trying to tell you what is changing. Whatever they are not saying, that we will try to think that it might not be changing. Okay. So let's do the thing. So proposal A. Proposal A in this case is reduce the selling price by 10%. Okay. So 225. With prospect of production and sales increasing by 25%. Okay. So 1 lakh. Fixed production overheads will increase by 2.5 lakhs. I'm making an extra line below. So increase in fixed production overheads 2,50,000 and increase in fixed marketing overheads of 1 lakh. अच्छा, जो उन लोगों ने बोला चेंज कर दिया, अभी जो नहीं बोला अपने को सोचना पड़ेगा। हैव दे टोल्ड एनीथिंग दैट वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज? नो। सो बाय डिफॉल्ट आवर अजम्पशन ऑफ दिस चैप्टर, सेलिंग प्राइस रिमेंस कांस्टेंट, सेकंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेंस कांस्टेंट 93.75। दिस 105 लाख्स विल स्टिल रिमेन 105 लाख्स, ऑल्दो इट इंक्रीज बाय दिस मच, सो दैट वी ऑल हैव रिटन एक्स्ट्रा ऑन इन एनी केस। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो 225 माइनस 93.75 विल बी 131.25। अच्छा, सामने कुछ नहीं बोला, सो वी लाइक टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दो और ये दो लाइन के अंदर हो जाएगा अभी। नाउ After your summary, I want two lines blank. Then you all write on proposal A. You want profit only, no? Profit is contribution less fixed cost. So, on every unit, you get 131.25. How many units you will be selling? 1 lakh. So 131.25 lakhs, उसके लिए कोई कैलसी भी यूज करता है आगे, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट वन इज 105 लाख्स, एक 2.5 लाख्स, एक 1.25 लाख्स। New profit 22.5 lakhs. Chali, that's your first part. Proposal A. Nothing has been told, so therefore we try to find out new profit. Okay, that's done. Proposal B, please. Increasing selling price by 10%, so that was 250 first. Let's now make that as 275. Increasing advertisement expenses from present 5 lakhs to 25 lakhs. I think that present figure must be part of this expense. So therefore, in this case, I'm only writing increase now. So increase in advertisement, that'll increase by another 20 lakhs. Again, sales will go up to 90,000, right? So 90,000 idhar aa jayega. Fixed production overheads will be up by 1,25,000. So ye wala jo figure hai aapka,
fixed production overheads ka, this will be rising by 1,25,000. And fixed marketing overheads, wo badh jayega 1,00,000 rupees se. करना क्या है, कुछ नहीं बोला तूने, आप प्रॉफिट निकाल के दे देंगे. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल स्टिल बी 93.75, दिस फिगर विल स्टिल बी 105 लाख. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट शुड बी न्यू सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट, सो 181.25. प्रॉफिट चाहिए, डिटो सेम टेक्निक ही यूज कर रहा हूं. लिखो प्रपोजल बी, कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट विल फेच यू प्रॉफिट. So, contribution 181.25 into 90,000 units less fixed cost. Fixed cost will be 105 lakhs. Plus ₹20 lakhs plus 1.25 lakhs plus 1 lakh. Get the new profit. ₹35,87,500. Proposal C. Acha, proposal C. Profit of 30 lakh rupees is desired. 30 lakhs is supposed to be the profit. आगे 10% increase in sales can be achieved by increasing advertising expenses by 18 lakhs. So therefore, this is 18 lakhs increase. Fixed production overheads will increase by 1.25 lakhs. So 1.25 lakhs. Marketing by 0.85 lakhs. What is the selling price required? So selling price is going to be my balancing figure. Acha. One figure I think I forgot to write. 10% increase in sales can be achieved by increasing advertising expenses by 18 lakhs. Listen, one thing I guess no book will teach you, but it is a common sense thing. Once they say 10% increase in sales, it has to be sales in units only. Because selling price is whatever you have to still try to find out. Okay. So therefore, this will increase by 10%, it will become 88,000. This data is given, whatever is not given, start to think. Obviously, variable cost per unit will still be 93.75. Fixed cost will still be 105 lakhs.
Contribution per unit, I cannot tell you because selling price is changing. So obviously contribution per unit will also be changing. So now this is easy stuff now. This should strike you. So we have to find out selling price. Okay. So profit hai aapke paas? Hai. Bilkul ulta ja raha hun. Uske baad add fixed cost. Fixed cost ke andar these plus this. कहाँ तक पहुँच गए कॉन्ट्रीब्यूशन एड वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ तक पहुँच जाओगे सेल्स सेल्स कितने यूनिट्स में से चाहिए 88,000 डिवाइड करके सेलिंग प्राइस आ जाएगा ओके लिखिए प्रपोजल सी राइट प्रॉफिट एड फिक्स्ड कॉस्ट एड वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करते रहो प्लीज अपने हिसाब से नंबर्स जो आ रहे हैं वो लिखते रहो चलो दिस इज योर प्रपोजल सी लास्ट प्रपोजल प्रपोजल डी पढ़ो डिपार्टमेंटल स्टोर इज विलिंग टू टेक 20,000 यूनिट्स पर एनम एट अ स्पेशल डिस्काउंट एग्जिस्टिंग सेल्स विल नॉट बी अफेक्टेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल राइज बाय 2.5 lakhs What is a special discount to be offered if by accepting the contract? Company's profit is going to be going up to 33,75,000 rupees per annum. Chalo, theek hai. Suno meri baat, dekho. Profit diya hua hai, to likhna start kari do, chalo. To profit idhar hai, 33,75,000. Abhi koi banda apne paas aa raha hai, apne ko 20,000 units per annum ko offer de raha hai. Un logon ne likha hua hai, existing sales will not be affected. तो यहाँ पे लिख के रखना 80,000 एंड 20,000 ऐसे लिख के रखो 80,000 यूनिट्स तो अपना बिकेगा ही बिकेगा प्लस 20,000 मोर एग्जिस्टिंग सेल्स विल नॉट बी अफेक्टेड मतलब 80,000 यूनिट्स विल स्टिल बी सोल्ड एट व्हाट प्राइस बॉस 250 एंड बैलेंस विल बी गिवन एट अ स्पेशल डिस्काउंट जो आपको कंप्यूट करना है तो आपका ये क्वेश्चन मार्क Fixed production overheads will rise by 2.5 lakhs. Bas, I guess job is all done only. This is still 93.75. This is still 105 lakhs.
अच्छा सुनो, आई गेस अभी अपना आंसर आ जाएगा इससे. देखो, आपको ये वाला स्पेशल प्राइस चाहिए ना, तो आपको सेलिंग प्राइस चाहिए. तो उल्टा सोचना स्टार्ट करता हूँ. प्रॉफिट है, एड फिक्स्ड कॉस्ट, दीज आर योर फिक्स्ड कॉस्ट, किधर तक पहुँच गया कॉन्ट्रीब्यूशन. एड वेरिएबल कॉस्ट, 93.75 इंटू 1 लाख यूनिट्स, तो कहाँ तक पहुँच गया सेल. सेल्स का दो पार्ट होएगा, दो पार्ट बोलो. 80,000 यूनिट्स बी स्टिल सोल्ड एट वॉट प्राइस, 250, और जो बैलेंस होएगा इससे आ जाएगा. तो यू कंपेयर दैट पर्टिकुलर प्राइस विद 250, आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके, लिखो जरा प्लीज प्रपोजल डी. स्टार्ट करो. सेलिंग प्राइस डिस्काउंटेड. तुम लोग 5 मिनट के लिए ब्रेक लो, आई विल जस्ट बी बैक. ओके, 5 मिनट के लिए ब्रेक लो. फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स देयर इज ओनली वन ऑप्शन इन मुंबई, एजे एजुकेशन नेक्स्ट. जॉइन एजे, बिकम सीए. हाय स्टूडेंट्स, दिस इज अ वीडियो ऑफ हाउ टू सी द सॉल्यूशंस टू द होमवर्क सेक्शन. आपकी करंट बुक के अंदर फाइनल आंसर होगा, हिंट्स होंगे, अजम्पशंस होंगे. फुल फ्लेज आंसर हमारी वेबसाइट के ऊपर है. तो ब्राउज़र के अंदर www.ajnext.com आप इस वेबसाइट को ओपन अप कीजिए. वहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा. पहले राइट हैंड साइड पे लॉगिन का एक बटन है, आप उधर आइए. अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यू कैन पुट. इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र, आपको शायद बाकी डिटेल्स भी एंटर करना पड़ेगा. तो मैं एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, तो आई एम एंटरिंग द लॉगिन नेम एंड द पासवर्ड. उसके बाद आप कोर्सेज पे आइए. कोर्सेज के अंदर आके सारे के सारे लेवल्स आ जाएंगे. लेवल्स के अंदर सी ए फाइनल पे आइए.
एक बार सीए फाइनल पर आएंगे, उसके बाद पेपर 5 स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्टिंग न्यू, उसके ना व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास सारे के सारे जो भी सॉल्यूशंस हैं ऑफ द होमवर्क सेक्शन वो आप लोगों को मिल जाएंगे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. अब ना क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स फिनिश द कमेंट्स ज़रा दे. सो क्वेश्चन नंबर 12 सुन. अब ना जो क्वेश्चन नंबर 12 दैट वी ऑल आर डूइंग,
वहाँ पर अपना आंसर्स तो आ चुका है, 4 प्रपोजल्स अपने आ चुके हैं. एक काम बस ज़रा वो कर लेते हैं, 4 प्रपोजल्स के आंसर्स यू ऑल राइट, ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ये फिलअप वो कर लो. तो यहाँ पर प्रॉफिट अपना 22.5 लाख आ गया था, 22.5 लाख उधर लिख दो. फिर अपना यहाँ पर जो प्रॉफिट था 35,87,500 वो लिख दो. यहाँ पर जो अपना सेलिंग प्राइस था दैट वाज 270 वो लिख दो. और जो लास्ट वाला था यहाँ पे अपना स्पेशल प्राइस 175 आया है वो लिख दो. चलिए सुनिए अपना ना क्वेश्चन का लास्ट लाइन अभी ध्यान से पढ़ना. Compute the forecast P&L statements pertaining to the above proposals and comment on the outcome of each proposal. वो लोग तुम लोगों से ये नहीं बोल रहा है कि tell us which is the best proposal. शायद अगर बोलते कोई ऐसा तुम लोग को बोल सकता था, सर जिधर भी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है that is the best proposal. लेकिन शायद फाइनल से ये तक पहुँचते पहुँचते वी डोंट सिंपली से कि लाइक प्रॉफिट जिधर ज़्यादा है दैट इज़ अ बेस्ट प्रपोजल. डजेंट मीन दैट हाईएस्ट प्रॉफिट इज ऑलवेज अ बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज फॉर हाईएस्ट प्रॉफिट दैट इज हाईएस्ट रिटर्न, यू माइट हैव टू बी टेकिंग हाईएस्ट रिस्क ऑल्सो. तो अगर उन लोगों ने ये बोला है कि आप कमेंट करो, उन लोगों ने एक तो ये नहीं बोला फाइंड आउट विच इज़ अ बेस्ट प्रपोजल, दैट थिंक दोज गाइस हैव नॉट इवन आस्क्ड ऑल्सो. उन लोगों ने क्या बोला, कमेंट ऑन द आउटकम ऑफ ईच प्रपोजल. ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से सोचना. आई एम ओनली ट्राइंग टू कमेंट रिस्क एंड रिटर्न्स, हर प्रपोजल के अंदर कितना रिस्क है, अकॉर्डिंगली कितना रिटर्न्स है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू अ कंपेरिजन एज सच. ओके, और शायद इन क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे कमेंट्स आर नॉट अ वेरी हाई मार्क्स, आई ओनली डू कमेंट्स विच आर स्लाइटली वेग, जहाँ पर रिस्क एज सच वी आर नॉट ट्राइंग टू मेजर. ऑल दो नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल ट्राई टू से दैट थिंग ऑल्सो, हाउ टू मेजर रिस्क. ठीक है, तो अभी के लिए few of the vague things that I will be saying कि कैसे पता चल जाता है risk बहुत ज़्यादा है up and so on. So first, ये तुम्हारा original data था. okay, in this particular case अभी as compared to original data and only proposal ABC, D I will come back in just a while, सिर्फ ABC देखो. मेरे ख्याल से proposal A is that proposal which has least risk. मेरे को कैसे मालूम, दो reasons. First, यहाँ पे ज़रा देखो, you are decreasing the selling price to increase the number of units, जो normally economics will tell you हो ही जाएगा. if you decrease the price quantity will rise, ये वाला चीज़ एक normal चीज़ होता है. demand and the selling price are inversely proportional to each other, वो खुद ब खुद हो ही जाएगा. apart from that, यहाँ पर जो तुम्हारा एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है दैट इज द लीस्ट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 3 प्रपोजल्स. याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स ऑफ रिस्क. जितना ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उतना ज़्यादा रिस्क. फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, मेरा इस बिल्डिंग का जो रेंट है सपोज 15 लाख रुपए है पर मंथ, तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम मेरा रिस्क तो बढ़ ही गया. मेरे को हर मंथ 15 लाख रुपए तो कमाना पड़ेगा ना टू पे दैट पर्टिकुलर रेंटल. ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट वो लग रहा है दैट इज द लीस्ट एज कम्पेयर टू द 3 प्रपोजल्स. सो इफ यू आर अ पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की इच्छा नहीं है, प्रपोजल ए इज गुड फॉर यू. कम रिस्क लोगे तो एक एडवांटेज है कि रिस्क कम है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि ऑब्वियसली जो तुमको रिटर्न्स मिलेगा वो भी सबसे कम है. सो देयरफॉर दिस प्रपोजल गिव्स यू द लीस्ट रिटर्न्स. ठीक है, तो इफ योर आइडियोलॉजी इज रिस्क नहीं लेने का, रिटर्न्स कम चलेगा, दैट टाइम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज अ बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, आगे चलते हैं. प्रपोजल बी, आई स्टिल थिंक दैट दिस इज अ प्रपोजल विद द हाईएस्ट रिस्क. क्यों? यहां पर आप लोग सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर आप लोग आउटपुट भी बढ़ा रहे हो. ओके, तो प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी टू बी सोल्ड भी बढ़ रहा है. को बोलते सर उसके लिए मैं 20 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का खर्चा तो कर रहा हूँ. बेटा वो रिस्क ही है ना, अगर तेरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो 20 लाख रुपए विल बिकम योर लॉस ऑल्सो. ओके,
तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, वो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन शायद एक एडवांटेज भी है कि ऑब्वियसली रिटर्न्स दैट यू विल बी गेटिंग विल बी द हाईएस्ट. ओके, सो दिस प्रपोजल इज अ प्रपोजल विद हाईएस्ट रिस्क. इन केस यू आर वांटिंग टू टेक द हाईएस्ट रिस्क बिकॉज यू वांट हाईएस्ट रिटर्न्स, दैट टाइम दिस पर्टिकुलर प्रपोजल विल बी द बेस्ट प्रपोजल. ठीक है, शायद अगर ये डॉन है तो ये थोड़ा सा छोटा डॉन है. एवरीथिंग दैट इज इन बी इज देयर ऑन सी ऑन स्लाइटली अ स्मॉलर स्केल. जरा वो देखना, यहां पर एज कंपेयर टू दिस थोड़ा सा कम फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, एज कंपेयर टू दिस थोड़ा सा कम प्राइस बढ़ रहा है, एज कंपेयर टू दिस थोड़ा सा कम यूनिट्स बढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली तुमको यहां पर थोड़ा सा कम प्रॉफिट भी है. यहां पर जो प्रॉफिट था कितने रुपीज का था, 30 लाख. ओके, तो अगर आपको इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना, थोड़ा सा कम लेना है बट यू स्टिल वॉन्ट गुड रिटर्न, देन प्रपोजल सी इज अ बेस्ट वन. मैंने प्रपोजल डी को अभी तक इसलिए वो अलग रखा क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक ऐसा प्रपोजल है जो बहुत अलग थलग है. मेरे हिसाब से तो वहाँ पे रिस्क बहुत कम है लेकिन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है. एक बार ज़रा पार्ट डी पढ़ो, जो प्रपोजल अपना डी था. अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज विलिंग टू टेक 20,000 यूनिट्स पर एनम एट अ स्पेशल डिस्काउंट. देखो यहाँ पे तो आप लोग मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचने का भी नहीं ट्राई कर रहे हो. कोई बंदा तेरे पास आ रहा है 20,000 यूनिट तुझसे वो खरीद रहा है, तो इफ़ यू विल सी ओवर हियर एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट दैट आई एम इंक्रिंग इज लीस्ट, नीदर यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज बाई सेलिंग द गुड्स इन द मार्केट. यहाँ पे समबडी विल बी कमिंग टू यू ओनली एंड विल बी परचेजिंग दोज पर्टिकुलर गुड्स. सो स्टिल आई स्टार्ट टू थिंक वन स्मॉल थिंग कि यहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम है लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी वो देखोगे इट्स रीजनेबली वेरी हाई. इन फैक्ट स्टैंड फॉर सेकेंड इन द रैंकिंग्स. ओके, If somebody had to ask me, sir, in terms of risk and returns, you try to say what is the best proposal, I can still be saying, sir, ये अपना best proposal हो सकता है, considering that risk is very less, but returns are still quite high. एक negative चीज जो मेरे को लगा sum पढ़ के, is that sum के ना ये नहीं लिखा हुआ कि departmental store will take 20,000 per annum for how many years? Okay. अगर सपोज ये वाला चीज सिर्फ एक साल का प्रपोजल है देन नेक्स्ट ईयर इन एनी केस आई हैव टू बी वो शिफ्टिंग टू सम अदर प्रपोजल, वरना दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्रपोजल्स दैट इज देयर. सो ओनली थिंग दैट आई से इज दैट रिस्क इज लेस, रिटर्न्स आर क्वाइट हाई, माइट बी द बेस्ट प्रपोजल. ओनली अनसर्टन थिंग दैट इज देयर, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग विल द ऑफर कंटिन्यू. इफ यू आर रीजनेबली श्योर दैट ऑफर विल बी कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस कुड बी द बेस्ट प्रपोजल. ओके, इन योर नोटबुक्स यू ऑल कैन राइट डाउन रेफर पेज नंबर, फ्यू ऑफ द थिंग्स आई हैव प्रिंटेड बिहाइंड, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. रेफर पेज नंबर, रेफर पेज 23.1. एक बार 23.1 पे आओ वापस. वहां पर फर्स्ट लाइन होगा ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डैश, पेज नंबर डैश. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 2.5. कम बैक प्लीज. चलिए सुनिए, आप लोग 13th क्वेश्चन के लिए एक साइड छोड़ दो, 14th क्वेश्चन के लिए एक साइड वो छोड़ दो, 15th क्वेश्चन पे आ जाओ. सो लीव टू साइड. धीरे धीरे द होमवर्क सेक्शन विल स्टार्ट टू डिसअपियर ओनली, बट इन बिगनिंग आई हैव केप्ट फ्यू क्वेश्चंस ताकि यू ऑल कैन ट्राई आउट द इजी क्वेश्चंस. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. नाउ दिस यू ऑल विल लाइक अ लॉट व्हाट एवर यू आर अबाउट टू बी डूइंग. क्वेश्चन नंबर 15, चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ नाइस क्वेश्चंस, पे अटेंशन. वी आर अबाउट टू बी डूइंग क्वेश्चन 15 एंड 16. जो जुड़वा क्वेश्चन वो लगेंगे, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदलेगा अभी. वन आई एम गोइंग टू बी डूइंग बाय स्टाइल ऑफ आईपीसीसी, वन आई एम गोइंग टू बी डूइंग बाय स्टाइल ऑफ फाइनल सीए. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ी. मिरिंडा लिमिटेड विच मेक्स ओनली वन प्रोडक्ट सोल्ड 10,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट.
making a loss of 10,000. The variable cost per unit of the product is rupees 8 and the fixed cost is 30,000. The company has estimated its sales demand as under. Okay. Sales in units 10,000, 12,000, 14, 16, 18. Probability. Probability 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.25. Okay. First, what is the probability that company will continue to make losses? Okay. What is the probability that company will make a profit of at least 6,000? What is the probability that company will make a profit of at least 2? What is the probability that company will make a profit of at most 2? Chalo, start karte hain, dekho. Meko ek term batao jo sikha hai. When does a company make loss? Part 1 kya dekho. What is the probability that company will continue to make loss? Meko ek term batao jo aap logon ne sikha. When does a company make loss? When number of units sold are below break-even point, exactly break-even point hoega, to zero profit, usse kam hoega, to loss aa jayega, usse zyada hoega, to profit. To agar mereko answer chahiye, to mereko break-even point to nikalna padega. Abhi break-even point chahiye. Mereko apne hisab se aap bol do. Break-even point tum log rupees ke andar nikalna chahoge ki units ke andar, kuch bhi bol do mereko. Slightly better units, kyunki sales udhar wo units ke ne diya hua. If we'll try to do that particular thing, no, you can directly refer to that chart, theek hai? To answer nikalte, ek second. To break-even point in units ka formula kya hota hai? Fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost dekho, first 2.5 lines. Fixed cost hai tumhare paas. Fixed cost, beta kitne rupees ka hai? 30,000. To apne ko contribution per unit chahiye. Chalo pehle wo wala cheez nikalte. Likhiye, calculation of. Contribution per unit. Acha, company ko beech mein 10,000 rupaye ka loss hua tha, aisa diya hua hai. Tab company ka fixed cost kitne rupees ka tha? 30,000. To contribution kitne rupees ka tha? 20,000. अच्छा सम के ना जरा देखो ये सारा सिचुएशन कितने यूनिट्स के हिसाब से था बेटा 10,000 तो हर यूनिट के पीछे कंट्रीब्यूशन 2 रुपीस का है चलिए पार्ट फर्स्ट पे आइए एक स्टेटमेंट लिखो पहले कंपनी मेक्स अ लॉस व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आर बिलो ब्रेक इवन पॉइंट Next and we'll go break even point in units. Is equal to fixed cost divided by contribution. तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है कितने रुपीस का है 30,000 अपॉन 2 15,000 अच्छा टेक्स्ट बुक जरा देखो 15,000 एग्जैक्टली बेचेंगे तो जीरो प्रॉफिट 15,000 से कम बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा टेक्स्ट बुक के नजर आ चेक करो 15,000 से कम कितने केसेस हैं बेटा या 10 या 12
या 14. सो टोटल ऑफ दोज थ्री प्रोबेबिलिटीज कितना हो जाएगा 0.45. तो नेक्स्ट साइन पे लिखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.15 प्लस 0.2. Is equal to 0.45. Second, what is the probability that company will make a profit of kya likha beta? At most 6,000. Sorry, at least 6,000. ठीक है, देखो वो लोग जो भी तुम लोगों से पूछ रहे हैं ना, अपने को उसके लिए यूनिट्स तो निकालना पड़ेगा. वन आई cannot see that table also यार. तो यहां पर आप लोग जरा लिखिए, एक लाइन के अंदर ही खत्म करते हैं. नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू, तो 6,000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए. अच्छा, गुड्स बना के गुड्स बेच के जो तुम लोग कमाते हो, दैट इज नॉट प्रॉफिट, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन. तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, बस 30,000 रुपीज का तो फिक्स कॉस्ट भी है तुम्हारा. तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाना पड़ेगा? 36,000. एंड यू अर्न कॉन्ट्रीब्यूशन एट वॉट रेट? 2. अच्छा, देन मेरे को जरा बोलो टेक्स्ट बुक देख के, उन लोगों ने क्या बोला है? एटलीस्ट 6. कैन वी से एटलीस्ट 6? मतलब यू हैव टू सेल एटलीस्ट 18. एटलीस्ट मतलब 18 और मोर, लेकिन और मोर वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो मतलब एग्जैक्टली यू सेल 18,000 ओनली, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 0.25. Part 3. What is the probability that company will make a profit of at least 2? वो ही काम करते हैं. लिखो number of units. ₹2,000 + ₹30,000 / 2. अच्छा, मेरे को आंसर बोलो तुम लोग. ये यूनिट्स तो आ गया, लेकिन मेरे को आंसर बोलो, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 0.55. सो यू हैव टू सेल 16,000 और मोर, नो? सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.30 प्लस 0.25. इज इक्वल टू 0.55. अच्छा, शायद पार्ट 4 के लिए अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केस तो वही है. सबने क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटमोस्ट 2? अभी आई एम अज्यूमिंग उन लोगों ने लिखा है प्रॉफिट ऑफ एटमोस्ट 2, मतलब प्रॉफिट 2,000 या उससे कम कुछ भी. उससे कम कुछ भी मैं सोच रहा हूँ लॉस भी चलेगा. ओके, तो अगर मैं वैसा सोचूं तो मेरे को बोलो विच ऑल केसेस विल गेट कवर्ड? 16,000, 14, 12 एंड 10. If you try to think, नहीं सर प्रॉफिट तो होना चाहिए, तो फिर आप लोग 15,000 से कम वाला जो केस है वो मत कवर अप करना, क्योंकि दैट टाइम यू विल बी बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, तो लॉस हो जाएगा. आई सी हैड गॉन फॉर फर्स्ट ऑप्शन, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट. ओके, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है विल बी 0.1 प्लस 0.15 प्लस 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.75. ब्रैकेट में आके लिख सकते हो अज्यूमिंग लॉसेस आर ऑल्सो कवर्ड. चलिए सुनिए, अभी क्वेश्चन नंबर 16 अगर तुम लोग वो देखोगे ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, सब कुछ सेम है. फर्स्ट पैराग्राफ सेम, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आई हैव प्रिंटेड वन बोल्ड लाइन, अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिमांड. अभी एक चीज जरा अपने दिमाग से सोचो, दैट विल बी बेटर इफ यू विल थिंक, यू विल स्टार्ट टू रियलाइज. देखो
जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 किया ना, शायद अगर मैं तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछूं तुम लोग उसको आंसर ही नहीं कर पाएगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉफिट विल बी एटलीस्ट 1000? अगर मैंने तुमको वो दिया तो कैलसी लो जरा एक बार, एटलीस्ट 1000, तो प्रॉफिट लो 1000, एड फिक्स्ड कॉस्ट 30,000, डिवाइड बाई 2 करो, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 15,500 तो तुमको दिखाई भी नहीं देगा उधर. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस फिर कैसे आंसर करें? तो देखो, अभी कुछ टर्म्स वो बोल रहा हूँ, ओके, माइट नॉट बी देयर इन योर मॉड्यूल बट दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर. देखो, जब भी सीपीटी में थे या जब भी तुम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स किधर भी किया था, वी ऑलवेज से दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. देर इज वन वेरिएबल विच इज कॉल्ड एज ए डिस्क्रीट वेरिएबल, देर आर सम वेरिएबल्स विच आर कंटिन्यूस वेरिएबल. अभी फर्क क्या होता है, ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं, दीज आर दोज थिंग्स विच कैन अज्यूम एनी वेरी लिमिटेड वैल्यूज. एग्जाम्पल के तौर पर, कभी लूडो खेला है, लूडो डाइस रोल करेगा तो बेटा 6 ही ऑप्शन आ सकता है, 5.5 तो नहीं आ सकता कुछ भी. ओके, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. सच थिंग्स आर कॉल्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल्स, बट डिमांड इज काइंड ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल. बॉस, इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू यार. आप लोगों ने लिखा 10,000, 12,000, डिमांड 11,000 भी तो आ सकता है. ओके, इट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल. ओके, सो देयरफॉर द वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस वेयर एवर इट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल शुड बी डिफरेंट, दैट इज वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो ICAI ने जो आंसर दिया था पहले क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, वो वाला आंसर यू ऑल हैव रिटन. नाउ वी आर ट्राइंग टू हैव अ बेटर आंसर. ओके, नाउ दिस इज वॉट एवर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एट फाइनल CA. ओके, दैट आंसर दोज गाइस हैड गिवन एट IPCC. जो लोग अपने इधर वो IPCC के अंदर थे, उन लोगों ने शायद क्वेश्चन नंबर 15 IPCC के अंदर तो वो किया भी हुआ है. ओके, इन एनी केस, नाउ वॉट वी ऑल आर डूइंग इज डिफरेंट. ओके, ये जो अभी वॉट वी आर प्लानिंग टू डू राइट नाउ इज दैट वेन एवर अ वेरिएबल इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, इन दैट पर्टिकुलर केस इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू यार. तो ऐसे केसेस के अंदर वॉट डू वी ट्राई टू बी डूइंग, हम लोग को ना कुछ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वो सीखना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेड कर्व. अभी ये जेड कर्व क्या होता है, अपने नोटबुक्स में लिखो. क्वेश्चन नंबर 16, गिव द हेडिंग रिस्क एंड रिटर्न्स इन डिसीजन मेकिंग. गिव द हेडिंग रिस्क एंड रिटर्न्स इन डिसीजन मेकिंग. सुनो, मैं तुमको रिस्क ना कुछ अजीब वे से तो वो बोलता हूं, बट यू विल बी एबल टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दैट. सपोज कोई एक क्रिकेट का मैच चलता है, से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया इज 9 विकेट्स डाउन. ओके, इन दैट केस तुम्हारे पास दो ऑप्शन है टू सेंड द 10th प्लेयर. इंडिया का बैटिंग चल रहा है, ओके, एक हार्दिक पांड्या को भेज सकते हो, दूसरा से रोहित शर्मा को भेज सकते हो, ठीक है. एज पर द न्यू रूल्स यू कैन हैव, यू कैन सेंड एनीबडी दैट यू ऑल वांट, ठीक है. अभी डोंट गेट इनटू द लीगल टर्म्स प्लीज. ओके, मैं सोच रहा था कि कौन से प्लेयर को भेजूं, तो मैंने ना ये रोहित शर्मा का लास्ट 6 इनिंग्स का स्कोर देखा. उसने एक बार 20 बनाया था, फिर 23 बनाया, फिर 19 बनाया, फिर 22 बनाया, फिर 21 बनाया, फिर उसके बाद उसने 23 बनाया. हार्दिक पांड्या 150 बना के गया, फिर 3 पे आउट हो गया, फिर 160 बनाया, फिर 8 बनाया, फिर उसके बाद 140 बनाया, फिर उसके बाद 3 पे आउट हो गया. ओके, अभी यू हैव टू बी सेंडिंग वन ऑफ द प्लेयर्स एज अ लास्ट बैट्समैन. मेरे को जरा बोलो विच प्लेयर वुड यू लाइक टू सेंड. यू कैन नॉट आंसर ओनली बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड यू द सिचुएशन ओनली. ओके, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, इंडिया रिक्वायर्स से 130 रन टू विन. नाउ यू विल बी एबल टू आंसर. मेरे को बोलो विच प्लेयर टू सेंड. I think this guy should be the player to be sent. I'm not saying that he'll win the match for you, but I think he's the only player who can win the match for you. Okay. Lekin agar suppose yehi wali situation ki na, I will delete this zero. India ko jeetne ke liye 13 run hi chahiye. Which player should be sent now? Ye jita ke aayega match, pakki baat hai. Iske na koi risk nahi hai. Okay. Ye banda itna score to yaar wo mari leta hai. Abhi na maine yahan pe janbujh ke numbers aise rakhe taki you all could answer. Lekin statistically ye dono cheezon ke na farak kya hai? Farak hai, अगर ये रोहित शर्मा का 6 इनिंग्स का स्कोर वो देखोगे ना, तुमको पता चलेगा सर एक कंसिस्टेंट बंदा है सर,
कंसिस्टेंटली कम रन बनाता है, लेकिन बनाता तो है सर. ओके ये वाला जो है सर बहुत रिस्की है सर. ओके बनाया तो सॉलिड बनाएगा, वरना तो कुछ भी नहीं करेगा सर. ओके सो इन दिस केस दिस इज कंसिस्टेंसी, दिस इज रिस्कीनेस. ओके यही चीजें जब आप लोग सीपीटी के अंदर थे या फिर जब भी आप लोग स्टैटिस्टिक्स वगैरह वो करते थे, हम लोग आपको ये वाली चीजें कैसे तो वो सिखा देते थे. देयर वॉज अ टॉपिक कॉल्ड एज डिस्पर्शन, शायद तुम लोग को याद नहीं होगा. अभी डिस्पर्शन इज नथिंग बट वेरिएशन. एक सिंपल सा चीज है, जिधर वेरिएशन ज्यादा होता है उधर रिस्क ज्यादा होता है, जिधर वेरिएशन कम होता है उधर रिस्क कम होता है. ओके अगर तुम लोग यहाँ पे डिस्पर्शन थोड़ा सा जरा एक बार दिमाग पे जोर डालो, डिस्पर्शन के अंदर हम लोग यही चीज निकालते रहते थे कि डेटा कितना डिस्पर्स है, मतलब कितना चेंज हो रहा है. देयर आर फोर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेरे अलावा किसी को याद नहीं रहता कुछ भी. रेंज एच माइनस एल ऐसा कुछ करते थे. फिर एक और फालतू चीज क्या था, क्वार्टर डिविएशन, क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू, मेरे अलावा किसी को कुछ याद नहीं रहता. मीन डिविएशन, यहाँ पे तीन चीजें की थी. मीन डिविएशन अबाउट मीन मीडियन मोड, समेशन मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, कुछ ऐसा किया था. बट ऑल दीज थिंग्स वर ऑल फालतू, क्योंकि देन यू डिड वन फाइनल थिंग दैट वॉज अ बेस्ट थिंग, दैट वॉज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन ये शायद याद हो, मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बोलो अगर किसी को याद है तो. स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, इस सारे का रूट है सच. ओके दिस इज अ बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो एफएम के अंदर बहुत यूज होता है. ओके आज अपने को भी यूज होगा. सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, तुम लोगों ने ये रोहित शर्मा का लास्ट सिक्स इनिंग्स का एवरेज निकाला. ओके अब मैं कैल्सी वगैरह नहीं यूज कर रहा हूँ, अल्टी का फिगर. सपोज जो एवरेज आया, एवरेज मतलब मीन, मीन को तुम लोग कैसे डिनोट करते थे, एक्स बार. सपोज वो 21 रन्स आया, उसका मतलब क्या है, यूजुअली ही शुड स्कोर 21 रन्स. ओके दैट इज हिज एवरेज. मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला तो बंदे का 2 आ गया, उसका मतलब क्या है, यूजुअली ही शुड स्कोर 21, बट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज अ डिविएशन ऑफ 2, मतलब मोस्ट ऑफ हिज इनिंग्स आर अराउंड 2 ऑफ दिस. मतलब इन दिस केस ही यूजुअली स्कोर्स रन्स बिटवीन, बोलो आगे, 19 to 23. ओके तो दिस वॉट एवर इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैंडर्ड डिविएशन. सपोज इस बंदे का मैंने एवरेज निकाला, सपोज वो 70 आया. मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, सपोज वो 60 आ गया, उसका मतलब क्या है, यूजुअली दिस गाय शुड स्कोर कितना, 70, बट आई हैव ऑब्जर्व दैट स्टैंडर्ड डिविएशन इज 60 इस साइड भी 60 उस साइड भी. ओके सो देयरफॉर यूजुअली ही शुड स्कोर, आगे बोलो, बिटवीन 10 to 130, दैट इज व्हाटएवर इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म्स. अभी स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग बहुत यूज करते हैं. इफ आई ट्राई टू टेल यू कि तुम लोग उसको SFM के अंदर किधर यूज वगैरह तो वो करोगे, सपोज दीज आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये रिलायंस कंपनी के शेयर का रिटर्न्स है. ओके तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, शायद रिटर्न भी ज्यादा मिले, यहाँ पे रिस्क कम है, शायद रिटर्न्स भी कम मिले. ओके तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ बेस्ट मेजर ऑफ रिस्क, क्योंकि रिस्क वी ऑलवेज से उधर रिस्क ज्यादा जिधर वेरिएशन ज्यादा. ओके जिधर वेरिएशन कम उधर रिस्क कम, सो वेरिएशन मतलब डिस्पर्शन, डिस्पर्शन इज मेजर बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है अभी एक और चीज ध्यान से सुनना, देर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अराउंड अपने बैच के अराउंड जितने भी तो वो स्टूडेंट्स हैं, आज मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया सपोज, ओके लेक्चर के बाद जितना भी मार्क्स आया सबको डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है सपोज इन दिस केस जो एवरेज था सपोज वो 70 था. ओके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ओके तो 70 मतलब एग्जेम्पशन मिला सबको. ओके नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर ये जो 70 है दैट विल डिनोट व्हाट यार, एक्स बार, दिस इज एक्स बार फॉर अस. ठीक है इफ आई ट्राई टू अज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है सुनो, ये जो कर्व है दिस इज कॉल्ड एज अ जेड कर्व, दैट इज बेस्ड अपॉन द पर्सन हु मेड इट. ओके तो ये जो कर्व है व्हाट डू वी ट्राई टू डू, इसके ना ये जो हाईएस्ट पॉइंट वो होता है वहां पर एक्स बार इज ऑलवेज प्लॉटेड. ओके क्योंकि यूजुअली वी शुड स्कोर दिस मच, सो देयरफॉर दिस वाज द एवरेज. और अगर मैं सब लोगों का मार्क्स लूं, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन दिस वर्ल्ड दैट मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विल बी नियर टू 70. इसलिए ये वाला जो कर्व है देयर इज मोर एरिया नियर टू दिस,
जैसे जैसे दूर जाते रहोगे जो एरिया है कीप्स ऑन बिकमिंग स्मॉलर एज सच. ओके, सो देयरफॉर यहां पर जो एरिया है वो छोटा हो जाता है. ओके, जब भी आप लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हो, ओके, वी ट्राई टू अज्यूम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एवरीथिंग हैज अ इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग, बट ऑब्वियसली थिंग्स दैट आर नियर टू द मीन obviously will have more chances because you are near to the average. Jitna jitna dur wo jaate ho, for a small example, zara socho, probability of somebody getting one mark, okay, that will be quite less because you are very far away. Tum logon ne agar mean 70 nikala, matlab zyadatar observations were near the 70 wala mark, no? Okay, so therefore, jitna dur jaate rahoge, un cheezo ka probability thoda sa kam hota hai. Such things are called as normal distributions, okay? Variables which are continuous in nature, like demand, okay, they should always be solved using normal distribution curve. That is what I'm trying to teach you. Ek last cheez bas. Ye jo x bar hai 70, matlab this is your mean. Yahan pe z ka value is always 0. Apart from that, ye wala jo curve hai, symmetrical hai. Sabko symmetrical ka matlab wo samajh mein aata hai. This part will always be equal to this particular part. Example, agar aaj tum logon ne koi question ka answer nahi diya, main tumko kaata, okay. Agar main tumko aisa kaatega, that is symmetrical, okay. Your left hand side and right hand side are same. Main tumko aise nahi kaat sakta. Your upper body and lower body is not symmetrical, okay. So therefore, in this particular case, this part and this part is same only, okay. Abhi, so this part is a mirror image of this particular part. Why I am trying to say, zara socho, ye sara area is equal to 1 kyunki probability always totals up to 1. To ye wala area beta ji kitna ho jayega? 0.5. ye area kitna ho jayega? 0.5. these are loose ends, this goes up to infinity, this is loose end that goes up to minus infinity. Agar koi bhi value 70 se zyada hai, that particular value is plotted over here. So therefore, these are all the values which are above 70. These are all the values which are below 70. Last thing, yahan pe z 0 hai. So right hand side pe z will always be positive in nature. Yahan pe z in this particular case will always be negative in nature. This is one curve that you should be knowing as such. Okay. Abhi ek kaam zara karo. In your notebooks, the heading that you all have given, pehle ek do cheeze wo likh lo. Write down please. लिखो, a variable like demand is not a discrete variable as treated in question number 15. Full stop. Discrete variables are those which assume very limited values. Example, numbers on a dice, comma, filling up a feedback form, with limited options. Next sign pe, continuous variables are those which can assume multiple values.
Example, demand, height of a person. Weight of a person, etc. Kulshram? In case of continuous variables, comma, we should always use normal distribution curve. तुम लोग ये बना लो. अच्छा सुन, अभी दिस वी आर गोइंग टू मेकिंग लॉट ऑफ टाइम्स नाउ फॉर आंसरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर पार्ट्स. ओके, इट्स द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. मेरे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक ही लाइन का फर्क है. दैट इज देयर ऑन द नेक्स्ट पेज, अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिमांड. बाकी सब कुछ तो चलो सेम ही है. तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं. बस ये स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक लास्ट चीज चाहिए. समबडी कैन आंसर तो गुड थिंग फॉर मी, वरना वो चल जाएगा. जब आप लोगों ने सीपीटी किया था या कभी भी जब तुम लोगों ने मीन मीडियन मोड वगैरह वो सीखा था, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का दो फार्मूलाज होता है. ये जो होता है, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल वेन एवर इट इज रॉ डेटा, बट वेन एवर इट इज ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा मतलब जहाँ पे एक वेरिएबल आता था और एक फ्रीक्वेंसी आता था. ओके, शायद याद होगा, तभी स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला. अगर कोई बोल सकता है तो टू गुड बोलो. एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर आता था, सॉरी. हाँ बोलो. समेशन f into x minus x bar the whole square upon n के बदले में summation f आ जाता था. ओके, दैट इज वॉट एवर यूज टू बी डूइंग एज सच. ओके, अभी वो चीजें मेरे को काम में आएगा टू ट्राई टू टीच यू योर स्टैंडर्ड डिविएशन. लेट्स स्टार्ट. इज द सेम क्वेश्चन, लेकिन सुनो. अभी ये z कर्व अप्लाई करने के लिए ना बेटा, मेरे को सबसे पहले x bar चाहिए. तो जरा देखो, अभी डिमांड क्या क्या हो सकता है. यहाँ 10 हो सकता है, या 12 हो सकता है, या 14 हो सकता है, या 16 हो सकता है, या 18 हो सकता है. अभी तुमको ये सबका एवरेज चाहिए, लेकिन हम लोग एवरेज निकालेगा यूजिंग प्रोबेबिलिटी एज वीट्स. ओके, सो इनफैक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वीटेड एवरेज यूजिंग प्रोबेबिलिटी एज वीट्स. ओके, तो लिखिए जरा प्लीज, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डिमांड. अच्छा, बहुत कॉलम्स आएंगे, छोटा छोटा लिखना. शुरू में सिर्फ 3 कॉलम, लेकिन बाद में ये वाला टेबल एक्सटेंड हो जाएगा. तो यहाँ पे जरा लिखिए डिमांड, जिसको तुम लोग एक्स भी लिख सकते हो. टेन थाउजेंड, ट्वेल्व थाउजेंड, फोर्टीन थाउजेंड, सिक्सटीन थाउजेंड, एटीन थाउजेंड. Probability, you can write that thing as P also. Point 1, point 15, point 2, point 3, point 25. So, we multiply this into this, okay? तो यहां पे अभी तुम लोग लिख सकते हो एवरेज डिमांड.
अगर कोई सिंबल देना चाहो सो पी इन टू एक्स वी ऑल आर डूइंग 1800 2800 4800 4500 इसका टोटल कर लो दैट इज एक्स बार कितना आ जाता है 14,900 यूनिट्स एक्चुअली इट इज दिस टोटल अपॉन दिस टोटल नहीं क्या है दिस टोटल विल ऑलवेज अप टोटल अप टू वन ओनली नो तो इन एनी केस दिस विल बी एक्स बार तो उसका मतलब क्या है यूजुअली तुम्हारा डिमांड जो है 14,900 यूनिट्स के आसपास आना चाहिए बट आई वॉन्ट टू बी प्लॉटिंग ऑल दीज थिंग्स ऑन सच काइंड ऑफ अ कर्व उसके लिए मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन भी चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ये है बस जिधर भी एफ है तुम्हारे हिसाब से दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी बस ओके सो देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर द कॉलम्स इन दैट पर्टिकुलर मैनर तो अभी नेक्स्ट कॉलम जरा प्रिपेयर करो एक्स माइनस एक्स बार उसका नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर करो एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर एक लास्ट कॉलम वो प्रिपेयर करो पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार the whole square I want total of this last column only nothing else so start to do the other columns 10,000 minus 4,900 quick calc use karta hai minus 4900 minus 2900 minus 900 1100 3100 स्क्वायर करो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो मेरे को एक टोटल निकाल के दो कितना आता बेटा टोटल कितना आता 65,990,000 तो सुनो सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू एक बार ये फॉर्मूला वो लिख लो
summation P into x minus x bar the whole square. अच्छा अपॉन समेशन पी, चाहो तो लिख लो चाहो तो मत लिखो, क्योंकि इन एनी केस दैट विल ऑलवेज टोटल अप टू वन ओनली, वो तुम्हारा मर्जी लिखने का है. तो 65,90,000 होल रूट 2567.1 यूनिट्स. तो सुनो, यहां से वी विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन. वी हैव ओनली डन द बैकग्राउंड वर्क टिल नाउ, तो अभी हम लोग एक्चुअल काम स्टार्ट करें टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल कंटिन्यू टू मेक लॉसेस? तो लिखो जरा प्लीज पार्ट फर्स्ट. चलो, इस चीज का तुमको मेन मतलब तो मालूम है, कंपनी लॉस तब करेगा जब ब्रेक इवन पॉइंट से कम यूनिट्स होगा. तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार चलो यार वो निकाल लो फिर से. ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. 30,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15,000. सो 15,000 से कम यूनिट्स बेचोगे तो लॉस हो जाएगा. ठीक है, अभी एक कर्व बनाएंगे फिर से. ओके, ये बनाओ जरा प्लीज. यू डोंट गेट मार्क्स फॉर द शेप, जस्ट मेक इट नो, एक पहाड़ की तरह तो बना लो बस, दैट्स ओके. अभी जो यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट होता है दैट इज रिजर्व फॉर एक्स बार. सो एक्स बार वॉज 14,900. यहां पर z इज ऑलवेज जीरो. ओके, अभी उसके बाद सुनो मेरी बात. तुम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट 15,000 यूनिट्स मिला, हमको क्या चाहिए सर? व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग बिलो 15,000? क्योंकि 15,000 से कम होगा तो लॉस होगा. पहले मेरे को बोलो 15,000 येलो वाला पोर्शन होगा, मतलब येलो वाले पोर्शन में आएगा कि ग्रीन वाले के अंदर आएगा? ग्रीन. क्यों? 15,000 इज मोर देन 14,900. नो, एनी फिगर अबव 14,900 विल कम ओवर हियर, बिलो दैट विल कम ओवर हियर. ओके, तो किधर भी यहां पर बस वो लिख लो एक ऐसा एक लाइन मार के, राइट डाउन एक्स इज इक्वल टू 15,000. अच्छा, नाउ योर प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अ एरिया विच यू शुड शेड. आपको जो एरिया चाहिए दैट इज बिलो 15,000, सो देयरफॉर दैट विल बी दिस एंटायर एरिया. तो ये एरिया को मार्क कर लो. अच्छा सुनो, अभी मेरे को जरा बोलो, जो मैं अभी अभी मार्क कर रहा हूं, मेरे को बोलो दिस एरिया इज इक्वल टू कितना? 0.5. दिस एंटायर एरिया इज 0.5. सो आई वांट दिस पर्टिकुलर एरिया. भी वो कहां से मिलेगा? वो पीछे एक जेड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, वहां से मिलता है. लेकिन उसके लिए आपको जेड का वैल्यू चाहिए. तो यहां पर आप लोग लिखो Z1 इज इक्वल टू, और नेक्स्ट लाइन पे आओ, राइट डाउन Z1 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल भी वो यूज कर सकते हो. अच्छा बेटा, एक्स कितना था? 15,000. एक्स मतलब द फिगर दैट यू वांट, माइनस एक्स बार इज कितना? 14,900. डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपके पास आया था 2567.1. So 100 divided by 2567.1, 2 decimals तक कर दोगे, that is all fine for us, 0.04. तो यहाँ पे ऊपर आके लिख देना 0.04.
सुन, अब ये 0.04 का वैल्यू वी हैव टू बी सीइंग. देयर आर टू टेबल्स, यू कैन सी एनी टेबल दैट इज ओके. पहले अपनी बुक में सेकंड लास्ट पेज पे आओ, सेकंड लास्ट पेज पे. पेज नंबर 24.1, वहां पे हेडिंग जरा पढ़ना. वहां पे क्या लिखा हुआ है? एरियाज अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम, जोर से बोलो एक बार, फ्रॉम क्या लिखा है? जीरो टू जेड. तो एक सेकेंड. तो अगर सपोज ये तुम्हारा नॉर्मल कर्व है, जेड इज जीरो ओवर हियर, यहां पे जेड जीरो होता है. दैट टेबल गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम जीरो टू जेड. तुम्हारे लिए जेड मतलब जेड वन, द वैल्यू दैट यू वॉन्ट. ओके, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाला जो टेबल होगा दैट विल गिव यू द वैल्यू, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. बट वन थिंग, दिस एंटायर कर्व नो इज सिमेट्रिकल इन नेचर. तो तुमको इतना समझ में आएगा, जो एरिया इधर होगा ना, आगे कोई बोलेगा मेरे को एग्जैक्टली सेम एरिया दूसरी साइड भी होगा. सो दिस टेबल ईदर गिव्स यू द वैल्यू फ्रॉम जीरो टू जेड और इट गिव्स यू द वैल्यू फ्रॉम जीरो टू माइनस जेड. डिपेंड्स अपॉन वेर एवर यू आर वॉन्टिंग टू सी. अगर तुमको पॉजिटिव फिगर देखना है तो इधर देख लेना, अगर नेगेटिव फिगर देखना है तो यू ऑल कैन सी ओवर हियर. तो एक काम जरा करो, वहां पे जो हेडिंग है ना जीरो टू जेड, आगे लिख के रखो और जीरो टू माइनस जेड. और उस पेज में नीचे आपके पास जगह है, वहां पे आप लोग ये वाले दो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बना के रखो. अच्छा सुनो, या फिर आप लोग ये वाला पेज देख लो. लेट्स सी दिस पर्टिकुलर पेज. देखो इस पेज पे ना आपको 0.04 की तलाश करनी है. तो एक काम जरा करो, फर्स्ट कॉलम 0.0, मतलब वो फर्स्ट रो ही है ऑलमोस्ट, और कॉलम्स के अंदर आप लोग 0.04 देख लो. मेरे को जरा बोलो इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी आ रहा है? 0.0160. तो एक सेकेंड, वो वाला टेबल आपको जो फिगर्स दे रहा है दोज आर फ्रॉम जीरो टू योर वैल्यू ऑफ जेड. तो वहां पर जो आंसर आया, ओके, वो ये वाले एरिया का है, ये वाले एरिया का. तो इसका आंसर कितना है? 0.0160. बस अभी मेरा पोपट मत करना, मेरे को बराबर से वो बोल देना. इज दिस योर फाइनल आंसर? नो, माई फाइनल आंसर विल बी दिस आंसर. आगे बोलो प्लस 0.5, बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर अप दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. ओके, तो एक काम जरा करो, यहां पर अभी लिख के रखो पेज नंबर 24.1, ऐसे लिखो, इट विल बी बेटर. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.016 प्लस 0.5, सो आंसर इज 0.516. और ये जो तुम लोगों ने कर्व वो बनाया था ना, यहां पर मार्किंग करके वो लिख लेना, दिस इज 0.0160. सुनो, एग्जाम्स के अंदर ना आप लोग प्लीज टाइटल बराबर से पढ़ना. या आपको एग्जाम्स के ना पेज 24.1 का टेबल देंगे, या फिर 24.2 पे आओ, उसका हेडिंग ध्यान से पढ़ना प्लीज. एरियाज अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम, जोर से पढ़ो क्या लिखा है, माइनस इंफिनिटी टू जेड. तो वो वाला जो टेबल है ना, वो तेरे को ये वाला वैल्यू नहीं देता.
एक मिनट, पहले मेरे को बोलो माइनस इन्फिनिटी किस तरफ होता है? लेफ्ट हैंड साइड. सो देयरफॉर दैट गिव्स यू एंटायर दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली. ओके, तो इनफैक्ट अगर तुम लोग वहां पर आंसर देखोगे, तुम लोग को डायरेक्टली आंसर वो दिख ही जाएगा. ओके, देखो जरा उधर, 0.00 अगेंस्ट 0.04, आंसर कितना है? 0.5160. ओके, एक मिनट, उस टेबल का जो हेडिंग है कैन ईदर बी एरियाज अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जेड. तो एक सेकेंड, अगर सपोज मैं इसी चीज को ठीक करूं उस पेज के हिसाब से, मतलब वो वाला जो आपका टेबल है इज गिविंग यू दिस एंटायर एरिया विच इज ईदर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जेड, और कोई आगे बोलेगा इट इज सिमेट्रिकल, नो, सो देयरफॉर इट ऑल्सो गिव्स यू द एरिया फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस जेड. तुमको समझ में आता है? इट इज द सेम डैम थिंग ना यार, या ऐसे देख लो या ऐसे देख लो. ओके, सो देयरफॉर उसके नीचे ना तुम लोग ये वाले दो कर्व जरा वो बना दो, 24.2 में नीचे यू कैन मेक दीज टू थिंग्स. अच्छा, तो तुमको एक चीज शायद अभी तक पता चल चुका है, मैं तुमको तो वो बोला नहीं लेकिन तुमको पता चल चुका है कि दोनों टेबल्स के ना जो डिफरेंस है, फर्स्ट टेबल प्लस 0.5 करेगा तो सेकंड टेबल आ जाता है. सबको उतना खुद ब खुद स्ट्राइक वो हो ही गया था. तो अभी वो तुम्हारी मर्जी है, फ्रॉम नाउ टेक्स्ट बुक के ना देख लेने का कि कौन सा टेबल तुम लोग रेफर कर रहे हो, अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू डू द थिंग्स. ऑब्वियसली मैंने भी जब एक्सेल के ना ये सब कुछ तो वो किया, इन दैट केस फर्स्ट टेबल के ना 0.5 ऐड कर दो, तुमको सेकंड वाला जो टेबल है उसका वैल्यूज वो मिली जाएगा. ठीक है, तो चलो अगर तुम लोग सेकंड वाला टेबल वो देखते तो डायरेक्टली वहां पे 0.516 अपने को मिली जाता. योर फर्स्ट पार्ट इज डन, सेकंड पार्ट पे आ जाओ, पढ़ो आगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 6,000. तो लिखो जरा प्लीज, पहले नंबर ऑफ यूनिट्स को निकालना पड़ेगा. राइट ऑन पार्ट टू, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू, तो 6,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18,000. अच्छा, कर्व बनाना पड़ेगा. ऐसे सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू मेक कर्व एट ऑल टाइम्स प्लीज. एक्स बार 14,900, जेड इज इक्वल टू 0, मेरे को बोलो मेरे को x 18,000 या उससे ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि एटलीस्ट 6,000 लिखा हुआ है. तो मेरे को जरा बोलो ये जो लाइन आप लोगों ने बनाया, मेरे को इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया चाहिए कि राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड. तो इस एरिया को आप शेड कर दो, आपको ये वाला एरिया चाहिए. यहां पर आप लोग पहले z का वैल्यू निकालो जिसको हम लोग z1 बोल देंगे. सो z1 इज इक्वल टू x माइनस x बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 18,000 माइनस 14,900 अपॉन 2567.1.
कितना आ जाता बेटा 1.21. पहले मेरे को एक बार जरा बोल देना विच पेज डू यू वॉन्ट टू सी एंड अकॉर्डिंगली वील ट्राई टू राइट डाउन दियर. 24.1 देखने का है कि 2 देखने का है? 1 देखें लिखो 24.1. अच्छा पहले मेरे को जरा बोलो 24.1 पे जो तुमको आंसर मिलेगा सोच समझ के बोलना इज दैट योर आंसर ओनली. नो जो वहां पर आंसर मिलेगा दैट इज फ्रॉम 0 to Z. मतलब वहां पर जो आंसर मिलेगा दैट विल बी दिस पर्टिकुलर आंसर. नो तो देख लो पहले उधर 1.21 तो 1.2 अगेंस्ट 1 तो कितना बेटा 0.3869. 1.2 पहले देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर उसके अगेंस्ट 1 देखो 1.2 प्लस 0.01. एक मिनट तो मेरे को बोलो माय फाइनल आंसर दैट आई वांट विल बी मेरे को बोलो 0.5 माइनस दिस दिस पार्ट इज 0.5. नो यार उसके अंदर से ये जो येलो वाला पार्ट है वो ये है तो यहां पे भी लिख के रखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.3869. आप लोग पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग अपना काम करो मैं अपना काम करता हूं. पॉइंट 43 आता है. वहां पे वर्ड जो है दैट इज एट लीस्ट तो 0.43. पॉइंट 1664 है ना. इज दैट योर आंसर? This area is 0.1664. The probability will be 0.5 minus 0.1664. Fourth part के लिए normal curve बनाना भी मत, बस directly answer लिखना.
मेरे को बोलो फोर्थ का, मेरे को डायरेक्ट आंसर बोलो कि कैसे आएगा। एक मिनट, 0.5 माइनस दिस, 1 माइनस दिस, नो 1 माइनस 0.3336 कितना आ जाता है 0.6664। पॉइंट नंबर 5, what is the probability that company will make a profit of, kya likha beta, at most 1000, to pehle number of units nikalna padega, x bar is equal to 14900, z is equal to 0, 15500 right hand side pe aayega, acha I am thinking profit of at most 1000, मतलब लॉस भी होएगा तो भी चलेगा, आई एम कवरिंग अप दोस पर्टिकुलर थिंग्स ऑल्सो। पॉइंट 23 आता है कुछ जेड का वैल्यू, पॉइंट 0910 कुछ आता है, तो एक सेकेंड, दिस इज 0.0910 नो, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा 0.0910 प्लस 0.5 0.5910। लास्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी विल अर्न अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 3000। पहले नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना पड़ेगा,
कितना आ जाता है बेटा, 0.6362 नो, 0.5 - 0.2324. चलो ये कर लो, योर क्वेश्चन, योर लेक्चर इज ओवर, ये कर लो आज के लिए.